उत्कलिका वल्लरी श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः श्रील रूप गोस्वामी विरचित स्तव माला के अंतर्गत उत्कलिका वल्लरी गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु द्वारा रचित स्तव माला विभूषण भाष्य सहित श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तद अंतर्गत भारत व्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्य आमनाय दशमाधस्तनवर श्री गौड़ीय आचार्य केशरी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुग्रहित त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा संपादित भूमिका। आज मुझे श्री सचिनंदन गौर हरि के नित्य परिकर शुद्ध भक्ति रस रसिक कुलचूड़ामणि श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित उत्कलिका वल्लरी ग्रंथ का हिंदी संस्करण श्रद्धालु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। श्री षट गोस्वामियों में अन्यतम शिलजीव गोस्वामी पाद श्री स्तव माला के प्रारंभ में लिखते हैं, श्री मदीश्वर रूपेण रसामृत कृता कृता स्तव माला अनुजीवेन जीवेन समगृहित। श्री स्तव माला श्लोक संख्या एक। मदीश्वर श्रीलरूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ एवं श्री चैतन्य देव श्री प्रेमंदु सागर संज्ञक श्री कृष्णेर अष्टोत्तर शतनाम श्री कुंज बिहारी अष्टक श्री राधिका स्तव चाटु पुष्पांजलि आदि अनेकों अनेक स्तवों की रचना की थी। ये समस्त अपूर्व स्तव भक्तों के कंठभूषण बने ऐसा सोचकर क्रम रहित अवस्था में इधर उधर बिखरे हुए इन सभी स्तवरूप पुण्यों को संग्रह कर उनके शिष्य जीव नामक मैंने उन्हें स्तवमाला के रूप में यथाक्रम से गुम्फित किया है। गौर पार्षद प्रवर श्रील रूप गोस्वामी प्रभु ने गौर कृष्ण अभिषिक्त होकर अप्राकृत रस शास्त्र के आचार्य के रूप में जिन समस्त अमूल्य कृतियों की रचना की है, श्री स्तवमाला भी उन्हीं में से श्रीलरूप गोस्वामी की एक अपूर्व कृति है। श्री श्री राधा कृष्ण सेवा प्रार्थनामय उत्कलिका वल्लरी श्रीलरूप गोस्वामी द्वारा रचित एवं श्रीलजीव गोस्वामी द्वारा संग्रहित इसी श्री स्तवमाला का एक काव्य पुष्प है। श्रीलरूप गोस्वामी पाद की उन्नत उज्ज्वल माधुर्यमय भक्ति रूपी भ्रमरी के मधुर गुंजन का उच्च आदर्श ही इस स्तोत्र में परिस्फुटित हुआ है। उत्कलिका का अर्थ है सुतीव्र उत्कंठा अथवा सुतीव्र व्याकुलता तथा वल्लरी का अर्थ है लता। अतएव उत्कलिका वल्लरी का अर्थ हुआ सुतीव्र उत्कंठामयी लता। यद्यपि इस उत्कलिका वल्लरी का प्रत्येक श्लोक स्वयं में परिपूर्ण है, तथापि इसकी भाव श्रृंखला पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा की रीति के अनुसार उस बिंदु तक जा पहुंचती है जहां पाठक अथवा श्रोता समस्त प्रकार के तापों से विमुक्त होकर श्री राधा रमन के श्री चरणों का किंकर बनने के लिए ललायत हो उठता है। श्री रूप गोस्वामी इस उज्ज्वल माधुर्यमय रस सिंधु की अद्भुत स्फूर्ति मूर्ति तरंगों में डूबते उतरते हैं, विलाप करते हैं, अर्तनाद करते हैं, सिसकते हैं तथा पुनः पुनः मूर्छित होते हैं। ऐसी स्फूर्ति होने पर वे व्रज भूमि व्रज परिकर एवं श्री श्री राधा कृष्ण के प्रणीय जनों के समक्ष श्री युगल माधुरी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने की लालसा प्रकट करते हैं तथा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण एवं वृषभानु नंदिनी श्री राधा की पारस्परिक नव नवायमान परम दिव्य वैचित्र्यपूर्ण केलीमय लीलाओं में प्रवेश की अभिलाषा से युक्त होकर हृदय विदारक गुहार लगाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभु ने
इस विरहा स्तोत्र काव्य में युगल केली प्रणय रस की अतल गहराई में उतरकर अपनी हृदय विदारक विरहमयी अनुभूतियों के अनुपम मुक्ताकण बिखेर दिए हैं। इन मुक्ताकणों की द्युति का आभास व्रजरस के उपासकों को तो हो सकता है, किंतु भजन संपत्ति से शून्य जीवों के लिए उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। पग पग पर श्रील रूप गोस्वामी की प्रार्थनाएं अति रहस्यमयी विदग्धतापूर्ण एवं मार्मिक होती जाती हैं। अपने नित्य स्वरूप में आविष्ट श्री रूप गोस्वामी प्रभु अप्राकट्य की पूर्ववर्ती दशा में कुछ और नहीं कह पाते। पुंजीभूत बिरहताप थम नहीं पाता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अविरल अश्रुधाराओं के साथ अंत में यही निवेदन करते हैं। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदीश्वरी श्री राधिके, इस वृंदावन में नित्य लीला विलास परायण तुम्हारे सम्मुख यह उत्कल्लिका वल्लरी अर्थात उत्कंठा रूप लता उत्पन्न हुई है। केवल वचनों के द्वारा ही तुम्हारे निकट इसका कीर्तन करके मुझ में कंप उदित हो रहा है। अतः इसे सुनने के बाद कृपा पूर्वक इस अतिशय दीन जन की अभिलषित सेवा प्राप्ति की प्रार्थना को सिद्ध करो। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद ने समस्त शास्त्रों के सार स्वरूप भक्ति के गूढ़ सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए विरहा रस से परिपूर्ण उन्नत उज्जवल रसमयी भक्ति धारा को इस स्तोत्र में प्रवाहित किया है। उपेंद्र वज्रा इत्यादि विविध छंद किल किंचित कुट्रिमित और दिवलोक आदि श्रृंगार परक भक्ति भाव श्लेष रूपक एवं अनुप्रास इत्यादि अलंकारों से ये स्तोत्र काव्य अत्यद्भुत बन पड़ा है। रसध्वनि की स्वतंत्र व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण श्री रूप गोस्वामी प्रभु को ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य की ख्याति प्राप्त है। उनकी भाव अभिव्यक्ति अद्भुत है और कला अभिव्यक्ति का शैली विन्यास भी अपूर्व है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु तथा ज्ञानी व्यक्ति सुकृतिवान होने पर भगवान का भजन तो कर सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति रस भाविता मति अर्थात श्री कृष्ण भक्ति रस में ओतप्रोत मति के बिना श्री कृष्ण की सेवा सुख की लालसा करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृतियों के रहने पर भी नहीं मिल सकती। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभु ने ऐसी लालसा को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हुए श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8 में कहा है, भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना और मन को अन्य अन्य कृष्ण इतर विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर श्री व्रज मंडल में ही निवास कर श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे। यही समस्त उपदेशों का सार है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रील रूप गोस्वामी ने व्रज रस लोलुप भक्तों को श्री वृंदावन धाम में वास करने हेतु परामर्श दिया है। यद्यपि जिस किसी भी प्रकार से व्रजवास करने का भी शास्त्रों में बहुत महात्म्य बतलाया गया है, तथापि केवल शरीर के द्वारा व्रजवास करने मात्र से ही श्रीमन महाप्रभु तथा उनके मनो अभीष्ट संस्थापक श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा उपदिष्ट विशुद्ध भक्ति रस को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभु ने व्रज में वास करने की पद्धति का भी उक्त श्लोक में ही निरूपण किया है। जिस किसी प्रकार से भोजन शयन विहार अथवा लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि विषय भोगों की आड़ में कपट भजन करने वाले की तो बात ही क्या, वैदी भक्ति परायण साधकों का अनुगमन करने से भी श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा आचरित प्रचारित उन्नत उज्जवल रसमय प्रेम भक्ति की अथवा रूप अनुगत्व की प्राप्ति नहीं होगी। श्री व्रजेंद्र नंदन के अंतरंग व्रजलीला के परिकरों का अनुगमन करने वाले रसिक गुरुजनों के आनुगत्य में रहकर ही श्री कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना पड़ेगा। इसलिए
केवल मात्र शरीर से वास करने से ही कोई ब्रजवासी नहीं होता, बल्कि मन अथवा चित्त वृत्ति से निरंतर व्रज रस अनुगामी जनों के अनुगत होकर जीवन का प्रत्येक क्षण बिताने से व्रजवास सार्थक होता है। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ही शारीरिक रूप से कभी भी व्रज में एक मुहूर्त के लिए भी नहीं रहने वाले शिलस्वरूप दामोदर गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु ने शुद्ध ब्रजवासी कहकर संबोधित किया था। एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रारंभिक अनर्थग्रस्त अवस्था में केवल लीलाओं के मानसिक स्मरण का अभ्यास करना तथा इस प्रकार के निर्जन भजन करने का छल करके आलस्य को प्राश्रय देना उचित नहीं है। अप्राकृत रसाचार्य शिलरूप गोस्वामी ने राग भजन की जिस पद्धति का निरूपण किया है, उस पद्धति को अतिक्रम करके आत्यांतिकी अर्थात अतिश्रेष्ठ हरि भक्ति को प्रदर्शित करने की चेष्टा केवल उच्छृंखलता और अमंगलमय जगत नाश कर कुचेष्टा मात्र है। हमारे परम आराध्य परम गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के इस उपदेश का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कीर्तन प्रभावे स्मरण हैबे से काले भजन निर्जन संभव। अतएव शिलरूप गोस्वामी द्वारा अभिलिषित उन्नत उज्जवल भक्ति रस के अंतर्गत सेवा सुख के लेश मात्र को प्राप्त करने के इच्छुक साधकों के लिए अन्य अभिलाषिता शून्य होकर सजातीय आशय स्निग्ध भक्तों के संग में अनुकूल कृष्ण अनुशीलनमयी उत्तमा भक्ति का याजन करना ही विधेय है। उत्कलिका वल्लरी के रचयिता महामहिम शिल रूप गोस्वामी प्रभु। शिल रूप गोस्वामी प्रभु श्री गौरांग लीला में षट गोस्वामियों में से अन्यतम तथा व्रज लीला में श्री रूप मंजरी हैं। इनके पूर्वज कर्नाटक देश में वास करते थे। किसी कारण से इनके पूर्वजों में से कोई एक अपने देश को छोड़कर बंगाल में आकर बस गए थे। इन्हीं के वंशगत भारद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदीय ब्राह्मण कुल में शिलरूप गोस्वामी का आविर्भाव लगभग 1411 शकाब्द अर्थात 1479 ईस्वी में बंगाल के मोर ग्राम मधाईपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कुमार देव था। शिल सनातन गोस्वामी शिलरूप गोस्वामी के बड़े भाई तथा अनुपम या वल्लभ छोटे भाई थे। इन्हें अनुपम के ही पुत्र श्रीजीव गोस्वामी हुए। बचपन से ही इन तीनों भाइयों की भगवत चरण अरविंद में अत्यंत अनुरक्ति थी। युवा अवस्था में विद्या अध्ययन समाप्त करने के बाद ही बंगाल या गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह ने इनकी तीक्ष्ण मेधा उदारता और अन्य अन्य समस्त गुणों से प्रभावित होकर श्री सनातन गोस्वामी को अपना प्रधानमंत्री और शिलरूप गोस्वामी को उप प्रधानमंत्री अर्थात विशिष्ट कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया। 1514 ईस्वी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम बार व्रज यात्रा की, उस समय उनसे इनकी रामकेली गांव में भेंट हुई। श्रीमन महाप्रभु जी तो उस बार वहीं से ही लौटकर जगन्नाथपुरी चले गए, परंतु उनके सत्संग के बाद श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा इतनी अधिक सताने लगी कि राज कार्य इत्यादि सभी कुछ छूट गया। फिर द्वितीय बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री वृंदावन पधारे, तब जिस समय वे वृंदावन का दर्शन समाप्त कर लौट रहे थे तो प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी की महाप्रभु जी से भेंट हुई। उस समय महाप्रभु ने अपने प्रिय रूप के हृदय में शक्ति संचार कर उन्हें भक्ति रस तत्व का अपूर्व विवेचन श्रवण कराया था। श्री चैतन्य चरिता अमृत ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। प्रभु कहे शुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार न जाए वर्णन, पारावार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तोमाए चखाई ते तार कही एक बिंदु। श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला 19 136 से
137 अर्थात श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हे प्रिय रूप, मैं तुम्हें भक्ति रस का लक्षण बतला रहा हूँ, किंतु सूत्र रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि विस्तार रूप से इसका वर्णन करना असंभव है। पारावार अर्थात यह भक्ति रसामृत सिंधु आर पार शून्य गभीर है, उसमें से मैं तुम्हें एक बिंदु प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रयाग में रहकर उन्होंने भक्ति रस तत्व का अपूर्व विवेचन किया। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव आदि ग्रंथों में इसका विवेचन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विलक्षण अनुराग के कारण श्री रूप गोस्वामी का गृह त्याग, दैन्य विषयों के प्रति वैराग्य इत्यादि सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। श्री चैतन्य चरितामृत, भक्तमाल आदि ग्रंथों में सविस्तार इनकी जीवनी का वर्णन है। श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय ने यथार्थतः इन्हें श्री चैतन्य मनोअभीष्ट स्थापक की उपाधि दी है। शिवरज मंडल के लुप्त तीर्थों का उद्धार और भक्ति शास्त्रों का प्रचार, दो कार्यों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें विशेष आदेश दिया था। प्रयाग के श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में उपस्थित हुए और वहां से बंगाल में घर लौटकर विषय व्यवस्था और जीव गोस्वामी की विद्या अध्ययन आदि की व्यवस्था कर नीलाचल में महाप्रभु के निकट उपस्थित हुए थे। गौड़ देश में रहते समय ही इन्होंने विदग्ध माधव और ललित माधव नाटक के स्तूत्र लिखना आरंभ कर दिया था। व्रज लीला और पुर लीला को एक ही नाटक ग्रंथ में रचना कर व्रज विरह को प्रशमन करने की इच्छा रहने पर भी उड़ीसा के सत्यभामापुर में श्री सत्यभामा देवी की आज्ञा एवं नीलाचल में महाप्रभु के साक्षात उपदेश से पृथक पृथक रूप में नाटक ग्रंथों की रचना की। भक्त गोष्ठी में श्री चैतन्य महाप्रभु इनकी रचनाओं को सुनकर कितने आनंदित हुए, एकमात्र रसिक जन के लिए ही यह संवेद्य है। इनमें सर्वशक्ति का संचार कर प्रभु ने इन्हें वृंदावन में आचार्य पद प्रदान कर भेजा और अपने मनोअभीष्ट को पूर्ण किया। इसलिए श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय ने लिखा है, श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वापदांतिकम्। श्री रूप गोस्वामी की रचित ग्रंथावली भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतामृतम, विदग्ध माधव, ललित माधव, निकुंज रहस्य स्तव, स्तवमाला, श्री राधा कृष्ण गणो उद्देश्य दीपिका, मथुरा महात्म्य पद्यावली, उद्धव संदेश, हंस दूत, दान केली कौमुदी, कृष्ण जन्म तिथि विधि, प्रयुक्ताख्यात मंजरी, नाटक चंद्रिका इत्यादि। भाष्यकार श्री बलदेव विद्या भूषण प्रभु। मेरे परम आराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने श्री गौड़ीय वेदांत और गौड़ीय वेदांत आचार्य केशरी श्री बलदेव विद्या भूषण प्रभु के प्रति विशेष गौरव प्रदर्शित करने के लिए ही उन्हीं के नाम अनुसार अपने द्वारा प्रतिष्ठित स्थान का नाम श्री गौड़ीय वेदांत समिति तथा अपने द्वारा संन्यास प्रदत्त शिष्यों को श्री भक्ति वेदांत उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने स्वलिखित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बलदेव प्रबंध में लिखा है, श्री गौड़ीय वेदांत समिति के साथ श्री गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का जो अच्छेद्य संबंध है, उसका तो कहना ही क्या है। श्री बलदेव के आचार विचार और भजन पद्धति को श्री गौड़ीय वेदांत समिति ने संपूर्ण रूप से अंगीकार किया है, क्योंकि श्री बलदेव रूपानुग वैष्णव हैं, उनका रूप अनुगत्य उनके विविध ग्रंथों के द्वारा प्रकाशित है। उन्होंने और भी लिखा है कि श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के विषय में आलोचना करने पर सर्वप्रथम उनके द्वारा रचित वेदांत भाष्य श्री गोविंद भाष्य की बात ही स्मृति पटल पर
जागृत होती है। उनके भाष्य ने ही उन्हें चारों संप्रदायों के वैष्णवों में संजीवित करके रखा है। गदाधर अभिन तनु श्री गौर शक्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की उक्ति है। विद्याभूषण महाशय गौड़ीय संप्रदाय के एक नक्षत्र विशेष हैं। उन्होंने इस संप्रदाय का जितने परिमाण में उपकार किया है उतना श्रीपाद गोस्वामियों के बाद और किसी ने नहीं किया। इससे ये बोध होता है कि वे श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षदों में से एक जन हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गलता पहाड़ अर्थात जयपुर में श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विजय वैजयंती को फहरा कर उसकी माध्व संप्रदाय के अंतर्गत होने की वैशिष्ट्यपूर्ण घोषणा की है तथा उनके सांप्रदायिक सेवा कार्य के द्वारा ये स्वतः ही प्रमाणित हो गया है कि वे श्री रूपानु गौड़ीय वैष्णव हैं। श्री बलदेव प्रभु श्रीमन महाप्रभु के अनुगत श्यामानंद परिवार के अंतर्गत श्री राधा दामोदर के दीक्षित शिष्य हैं। श्यामानंद प्रभु ने श्रीलजीव गोस्वामी का अनुगत्य स्वीकार किया और श्रीजीव प्रभु एकांतिक रूपानुग हैं। अतएव श्रील बलदेव प्रभु का भी रूपानुग वैष्णवत्व प्रमाणित होता है। दूसरी ओर श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सर्व प्रधान शिक्षा शिष्य हैं एवं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वितीय श्री रूप के नाम से विख्यात हैं। अतएव श्रील चक्रवर्ती ठाकुर के अनुगत होने के कारण भी श्री बलदेव के रूपा अनुगत्व में कोई संशय नहीं है। इन्होंने श्री रूप गोस्वामी के प्राणधन स्वरूप श्री गोविंद देव की कृपा प्राप्त कर उन्हीं की सेवा को अक्षुण्ण रखा। अतः इस दृष्टिकोण से भी श्रील रूप गोस्वामी और उनके आराध्य देव श्री गोविंद जी की कृपा प्राप्त करने के कारण क्या इनके रूप अनुगत्य में कोई संशय रह जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक आधार में पांच रात्रिक और भागवत परंपरा में अवस्थान करके भी शेषोक्त अर्थात भागवत परंपरा के अनुसार ही भजन निष्ठा के माधुर्य और श्रेष्ठत्व को स्थापित किया है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने स्वरचित प्रमेय रत्नावली में श्री गुरु परंपरा प्रणाली को प्रदर्शित किया है। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भाष्यकार श्रील बलदेव विद्याभूषण श्री गौड़ीय आमनाय धारा में स्नात एवं रूपानु गौड़ीय वैष्णवाचार्य सम्राट हैं। मदभीष्ट देव श्रील गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की निम्नलिखित श्लोक द्वारा वंदना की है। श्री मध्व संप्रदाय श्री चैतन्य कुल रक्षक वेदांताचार्य शार्दुलो बलदेवो महामति। श्री माध्व संप्रदाय के श्री अर्थात शोभा स्वरूप श्री चैतन्य देव के कुल अर्थात गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रक्षक वेदांताचार्य सिंह महामति श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जययुक्त हों। श्री गुरुपाद पद्म ने यह भी कहा है कि जो श्रील बलदेव को रूपानुग स्वीकार करने में कुंठित हैं वे वास्तव में भ्रांत और वैष्णव अपराधी हैं। अतएव ऐसे असत संप्रदाय को सब प्रकार से दुसंग जानकर उसका परित्याग कर पाने से ही श्रील बलदेव प्रभु के प्रति वास्तविक श्रद्धा प्रदर्शित होगी। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य पार्षद श्री गोपीनाथ मिश्र जिन्होंने सार्वभौम के साथ श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से निसृत सूत्र भाष्य को श्रवण किया था वही बाद में ब्रह्म संप्रदाय के भाष्यकर्ता के रूप में श्रील बलदेव विद्याभूषण के रूप में आविर्भूत हुए। आचार्य श्री बलदेव द्वारा रचित ग्रंथ तालिका श्री गोविंद भाष्य सूक्ष्म टीका सिद्धांत रत्नम या भाष्य पीठकम इसकी टीका साहित्य कौमुदी व्याकरण कौमुदी तत्व संदर्भ की टीका ईशोपनिषद भाष्य सिद्धांत दर्पणम काव्य कौस्तुभम गोपाल तापनी भाष्य साहित्य कौमुदी टीका कृष्ण नंदिनी छंद कौस्तुभ भाष्य
लघु भागवतामृत टीका, चंद्रालोक ग्रंथ की टीका, नाट्य चंद्रिका, श्रीमद् भागवत टीका वैष्णवानंदिनी, वेदांत संयंतक, प्रमेय रत्नावली, गीता भूषण भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, नामार्थ सुधा, संक्षेप भागवतामृत टिप्पणी सारंग रंगदा, सवमाला विभूषण भाष्य, पद कौस्तुभ श्री श्यामानंद शतक टीका। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की अति मर्त्य जीवनी और दार्शनिक विचार वैशिष्ट के संबंध में सुष्टु रूप से जानने की इच्छा रखने वाले पाठकों को मैं स्वसंपादित प्रबंध पंचकम के द्वितीय और तृतीय प्रबंध तथा इन सभी विचारों के मूल स्त्रोत्र मदीय ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रील भक्ति वेदांत वामन महाराज के द्वारा लिखित सिद्धांत रत्न ग्रंथ के संपादकीय निवेदन मदीय गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखित गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु प्रदत्त भाष्यकार का विवरण एवं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखित गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इत्यादि प्रबंधों की आलोचना करने का अनुरोध करता हूँ। प्रस्तुत उत्कल्लिका वल्लरी स्तोत्र के मूल श्लोकों का अनुवाद सर्वप्रथम श्रीमान राधेश दास गांगुली दादू ने प्रस्तुत किया था। विदुषी बेटी मधु खंडेलवाल एमए पीएचडी ने उक्त श्लोकानुवाद को सरस और सरल बनाते हुए श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के द्वारा रचित टीका को अनुवाद सहित प्रस्तुत करके ग्रंथ की शोभा को परिवर्धित किया है। उसका यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। दिल्ली निवासी श्रीमान गणेशी लाल शर्मा एमए संस्कृत, आचार्य साहित्य, पुराण इतिहास शिक्षा शास्त्री, लब्ध स्वर्ण पदक ने मूल संस्कृत तथा श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज एवं श्रीमान गोकुलपति दास अधिकारी ने हिंदी अनुवाद का प्रूफ संशोधन किया है। कंप्यूटर द्वारा कंपोजिंग, लेआउट तथा प्रकाशन संबंधी विविध सेवा कार्यों के लिए श्रीमान विजय कृष्ण ब्रह्मचारी, श्रीमान अच्युतानंद ब्रह्मचारी तथा बेटी शांति दासी आदि की सेवा प्रचेष्टा अत्यंत सराहनीय एवं उल्लेखनीय है। मुख पृष्ठ का चित्र बेटी बकुला दासी और डिजाइन श्रीमान कृष्ण कारुण्य ब्रह्मचारी ने प्रस्तुत किया है। श्री गुरु गौरांग गांधार्विका गिरिधारी इन सब पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें, यही मेरी प्रार्थना है। ग्रंथ के भाव और भाषा को सहज सरल रखकर सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य बनाने की चेष्टा की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रूपानुग भक्ति के लोलुप सज्जनों के द्वारा इस ग्रंथ का आदर होगा तथा इसके अनुशीलन द्वारा सभी वैष्णव भक्तों के उल्लास के वर्धित होने से हम अपने परिश्रम को सार्थक मानेंगे। गुरु पूर्णिमा श्रील सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि श्री चैतन्याब्द 523 7 जुलाई 2009 श्री हरि गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी दीनहीन त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण। श्री वृंदारण्य विहारिणे नमः। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित स्तवमाला के अंतर्गत उत्कल्लिका वल्लरी, श्री श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद द्वारा रचित स्तवमाला विभूषण भाष्य सहित श्री वृंदा टवी नागराभ्याम नमः। मंगला आचरण संस्कृत अनुवाद भाष्यकार श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु सर्वप्रथम मंगला आचरण करते हुए कह रहे हैं, कर्कश चित्त रूपी शिला को संपूर्ण रूप से विगलित कर देने वाली एवं श्री श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा का व्रत प्रदान करने वाली यह उत्कल्लिका वल्लरी जिनसे उत्पन्न हुई है, विरह भाव से पूर्ण आतुर चित्त वाले जनों के सम्राट स्वरूप वे शिलरूप गोस्वामी हम पर कृपा वर्षन करें। प्रथम श्लोक संस्कृत अनुवाद।
अभीष्ट के प्राप्त न होने पर अभीष्ट प्राप्ति की उत्कंठा से जिसका चित्त विगलित हो जाता है और अभीष्ट की प्राप्ति में अपनी अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण जिसमें दैन्य का उदय होता है, ऐसी विरही भक्त सम्यक क्रंदन के साथ निर्झर अश्रुपात करने लगता है। इस स्तोत्र के द्वारा इस भाव को ज्ञापित करके स्वयं में इसी भाव का प्रवर्तन करने के लिए कविवर श्रील रूप गोस्वामी सर्वप्रथम निश्चय पूर्वक कह रहे हैं। अपने अभीष्ट को प्राप्त करने की उत्कंठा से आकुलित चित्त के कारण श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर उच्च स्वर से आर्तनाद करने वाला एकाकी में अब ज्वलनशील अश्रुरूप विरह संताप द्वारा अपने हृदय में पड़ी गाढ़ मुद्रा या छाप को खोलकर दिखला रहा हूँ, अर्थात अभिव्यक्त कर रहा हूँ। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। उत्कंठा से भरे चित्त वाला एकाकी में वृंदावन धाम के शरणागत होकर उच्च स्वर से विलाप करता हुआ हृदय में पड़ी हुई ज्वलनशील अश्रुरूप विरह संताप की गाढ़ मुद्रा या छाप को खोलकर दिखला रहा हूँ, अर्थात अभिव्यक्त कर रहा हूँ। वस्तुतः ऐसी अवस्था भक्त जनों को निश्चय ही पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। स्मृति शास्त्रों में कहा गया है, रोमांच द्रवित चित्त एवं आनंद अश्रुओं की परिपाटी से युक्त भक्ति के बिना किस प्रकार हृदय सांसारिक वासनाओं से शुद्ध हो सकता है। इसके आगे दृष्टिपथ पर स्पष्ट रूप से लक्षित होने वाले छंद के लक्षण ग्रंथ विस्तार के भय से नहीं लिखे जा रहे हैं। द्वितीय श्लोक संस्कृत अनुवाद। अब सर्वप्रथम अपने शरण स्थान श्री वृंदावन धाम से प्रार्थना की जा रही है। हे वृंदारण्य, इस संसार में तुम्हारी सेवा करने वाले ऐसे कौन हैं जिन्होंने शीघ्र ही परम आनंद पदवी को प्राप्त नहीं किया हो? अतः मैं प्रणत होकर अति दीनहीन भाव से तुम्हारे निकट याचना करती हूँ कि कृपा करके मुझे ऐसे श्रेष्ठ उपाय का स्वयं उपदेश कीजिए जिससे मैं तुम्हारे अधीश्वर श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन कर सकूं। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। अय, यह पद विषाद सूचक है। हेमचंद कृत कोश के अनुसार अय शब्द क्रोध एवं विषाद दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। हे वृंदारण्य, तुम्हारे सेवा परायण ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अति शीघ्र परमानंद पद को प्राप्त नहीं हुए हैं, अपितु वे सभी अवश्य ही उपपद को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से अति विनम्रता पूर्वक प्रणत होकर मैं तुमसे याचना कर रही हूँ। यदि कहो कि क्या याचना कर रही हो, इसके लिए कह रही है, तुम मुझ पर कृपा करके स्वयं ही मेरे चित्त में अपने अधीश्वर श्री श्री राधा माधव के दर्शन की श्रेष्ठ विधि का उपदेश करो। तृतीय श्लोक संस्कृत अनुवाद। तत्पश्चात वृंदारण्य की अधिष्ठात्री श्री वृंदा देवी से प्रार्थना की जा रही है। हे देवी वृंदे, श्रुति स्मृति आदि शास्त्र समूह यही गान करते हैं कि तुम्हारे वन अर्थात श्री वृंदावन में सदा ही श्री मुरारी अपनी प्रेयसी के साथ नित्य विहार करते हैं। यह निश्चित रूप से जानकर मैं तुम्हारे चरणों में वंदना करती हूँ कि मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरा तृष्णारूपी वृक्ष शीघ्र अतिशीघ्र श्रेष्ठ रूप से फलवान हो। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे देवी वृंदे, श्री मुरारी अपनी प्रेयसी श्री राधा एवं उनके परिकरों के साथ तुम्हारे अरण्य में सदा विहार करते हैं। श्रुति कहती है, राधा के साथ माधव इत्यादि और गोकुल नाम के मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में नित्य विहार करते हैं इत्यादि। स्मृति इत्यादि भी इसी प्रकार गान करती है। बृहद गौतमीय तंत्र के अंतर्गत श्री कृष्ण के वचन, यहाँ मेरे आलय अर्थात वृंदावन में जो गोप कन्याएं सदा निवास करती हैं, वे सभी गोप कन्याएं
नित्य योगनियां हैं, अर्थात उनका मेरे साथ कभी भी वियोग नहीं है और वे सदैव मेरी सेवा परायण रहती हैं। और श्री यमल तंत्र में कहा गया है, गोपाल सदैव द्विभुज हैं, वे कभी भी चतुर्भुजधारी नहीं हैं। गोपराज नंदन श्री कृष्ण गोपियों में सर्व शिरोमणि श्री राधा के साथ युक्त होकर वहां नित्यकाल क्रीड़ा विहार करते रहते हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानकर अर्थात शास्त्रों के इन वचनों में दृढ़ निष्ठावान होकर मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करती हूँ, तुम मुझ पर कृपा करो। तुम्हारी कृपा से मेरे तृष्णा रूपी वृक्ष शीघ्र ही सुष्टु रूप से फलीभूत हो, अर्थात मुझे शीघ्र ही श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति हो। चतुर्थ श्लोक संस्कृत अनुवाद। इस प्रकार वृंदावन अधीश्वरी श्री वृंदा देवी को प्रसन्न करके अब उनके अनुमति के लिए प्रार्थना की जा रही है। हे गुणवती देवी वृंदे, जिन श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों के दर्शन की आशा मेरे हृदय में चिरकाल से वास कर रही है, वे तुम्हारे ही नाथ हैं। यह दीनहीन दासी उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा से उनसे प्रार्थना करने हेतु तुम्हारी आज्ञा की शीघ्र ही याचना करती है। तुम प्रसन्न होकर मुझ पर करुणा से स्निग्ध दृष्टिपात करो। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे गुणवती अर्थात कारुण्य गुण से युक्त देवी वृंदे, तुम्हारे नाथ श्री राधा गोविंद से प्रार्थना करने के लिए यह दीनहीन तुम्हारी शीघ्र आज्ञा की याचना करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रसन्न होकर मुझ पर करुणा से स्निग्ध दृष्टि डालिए। तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हारे वशीभूत उन श्री राधा गोविंद की कृपा की प्राप्ति अति दुर्लभ है। अमर कोश 3-4-1 में कहा है, द्राक मंक्षु सपदी और द्रुतम आदि शब्दों के झटपट तत्काल आदि अर्थ हैं। यदि कहो कि तुम्हारे नाथ कैसे हैं, तो इसके लिए कह रही हैं, जिनके चरण कमल हृदय में चिरकाल से वास कर रही मेरी अभिलाषाओं के आश्रय हैं, अर्थात जिन चरण कमलों से मेरी आशा रूपी लता फलवती होगी, यह भावार्थ है। श्लोक 5 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी कांति प्रफुल्लित इंदीवर अर्थात नील कमलों से भी अधिक मनोहर है, और हे श्री राधे, तुम्हारी मनोहर कांति श्रेणी की शोभा कांचन की कांति को भी विनिंदित करने वाली है। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। दत तम इत्यादि श्लोक संख्या 5 से आरंभ करके क्वापान अनुषंगिक श्लोक संख्या 14 तक 10 श्लोकों का त्वाम च इत्यादि श्लोक संख्या 15 के साथ अन्वय करना होगा। यहाँ हे बल्लव पुरांदर आत्मज का अर्थ गोपराज तनय और हे गोकुल वरेण्य नंदिनी का अर्थ श्री वृषभानु राज नंदिनी है। यह दासी तुम दोनों को नमस्कार करते हुए तुमसे कुछ याचना कर रही है। यदि कहो कि हे श्री कृष्ण तुम कैसे हो तथा हे श्रीमती राधिके तुम कैसी हो, इसकी अपेक्षा में क्रम पूर्वक 5 संख्यक श्लोक से आरंभ करके 14 संख्यक श्लोक तक के 10 श्लोकों में एक एक पद द्वारा उन दोनों के लिए विविध विशेषणों का प्रयोग किया गया है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी कांति श्रेणी विकसित हो रहे इंदीवर अर्थात नील कमल समूह से भी अधिक मनोहर रूप में प्रकटित है। विश्वकोश के अनुसार कंदलम शब्द का अर्थ है कलाप या समूह, उपराग और नव अंकुर। हे श्री राधे, तुम कांचन की कांति को भी निंदित करने वाली सुंदर दीप्तिमाला से सुशोभित हो रही हो। श्लोक 6 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम घनी विद्युत माला की कांति के समान उज्जवल पीतांबर से सुशोभित हो रहे हो, और हे श्री राधिके, तुम कस्तूरी की कांति के समान मनोहर कृष्णवर्ण पटांबर से सुशोभित हो रही हो।
स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे वस्त्र घनघोर विद्युत श्रेणी के समान कांति से परिव्याप्त हैं, तथा हे श्री राधे, तुम कस्तूरी की कांति के समान मनमोहक कृष्ण वर्ण के पटांबर से सुशोभित हो। हेमचंद कृत कोश के अनुसार सनाभि के ज्ञाति, सदृष्टता तथा सजातीयता इत्यादि अर्थ हैं। श्लोक 7 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे श्री अंगों में लक्ष्मीपति श्री नारायण के श्री अंगों के सौष्ठव से भी श्रेष्ठ उज्ज्वल माधुरी प्रकट हो रही है। हे श्री राधिके, तुम्हारे श्री अंग की उत्कृष्ट शोभा श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक मधुर व्रत सुंदरियों को भी विस्मित कर रही है। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे श्री अंगों के सौष्ठव की उज्ज्वल माधुरी लक्ष्मीपति श्री नारायण के श्री अंग से भी श्रेष्ठ अर्थात प्रशंसनीय रूप में प्रकट हो रही है। हे राधिके, तुम्हारे श्री अंग की शोभनीय माधुरी उत्कर्षता को प्राप्त होकर लक्ष्मी की कांति से भी अधिक मधुर व्रज सुंदरियों को विस्मित कर रही है। श्लोक 8 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम अन्य जनों के लिए दुर्लभ स्थिर गुण रत्न समूह के रोहण नामक रत्नगिरी स्वरूप हो, और हे श्री राधिके, तुम निखिल गुणवती रमणियों के चित्त को प्रचुर रूप से चमत्कृत करने वाले सद्गुणों से सुशोभित हो। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, इतर अर्थात पार्षदों से भिन्न अन्य जनों में अर्थात यहाँ तक कि इंद्र आदि में भी जिन सर्वज्ञता सौहार्द कारुण्य आदि गुण रत्नों का उदय होना अत्यंत कठिन है, उन स्थिर गुण रूपी मणियों के तुम उदय गिरी हो। हे श्री राधिके, तुम्हारे स्नेह सौंदर्य सौहार्द आदि सद्गुण अखिल गुणवतियों अर्थात स्नेह सौंदर्य आदि से युक्त स्त्रियों के चित्त को भी विपुल रूप में चमत्कृत करते हैं। श्लोक 9 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम व्रज के अतुलनीय किशोर मंडली के शिरोमणि मरकत स्वरूप हो। हे श्री राधे, तुम इस विश्व वरेण्य गोकुल में समस्त युवतियों की शिरोभूषण स्वरूप कुसुम माला हो। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे श्री कृष्ण, श्रीदाम सुबलादि निरुपम व्रज किशोरों की जो मंडली है, तुम उनके शिरोमणि स्वरूप श्रेष्ठ मरकत हो। हे श्री राधिके, अपनी उत्कर्षता के कारण इस विश्व को प्रकंपित करने वाला जो गोकुल है, वहाँ श्यामला पालिका आदि उल्लसित नव यौवन संपन्न युवतियों की तुम शिरोभूषण स्वरूप कुसुम माला हो। श्लोक 10 संस्कृत अनुवाद। अब परस्पर मानसिक गुणों का निदर्शन करते हुए वर्णन किया जा रहा है। हे श्री कृष्ण, तुमने अपने चित्त रूपी सागर में श्री राधा को मकरी या मादा घड़ियाल की भांति रखा हुआ है। हे श्री राधे, तुमने भी अपने हृदय रूपी चंद्रमंडल में श्री कृष्ण को हिरण की भांति रखा हुआ है। हे श्री कृष्ण, प्रेयसी के अंग परिमल से तुम्हारा चित्त उन्मत्त रहता है। हे श्री राधिके, प्रेष्ठ के अंग सौरभ से तुम्हारी इंद्रियां क्षुब्ध रहती हैं। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुमने अपने चित्त रूपी सागर में श्री राधा को मकरी की भांति रखा है। हे श्री राधिके, तुमने अपने चित्त रूपी चंद्रमंडल में श्री कृष्ण को हिरण की भांति धारण कर रखा है। इन दोनों पदों से श्री श्री राधा गोविंद की एक दूसरे के प्रति अत्याधिक आसक्ति प्रकाशित हो रही है। हे श्री कृष्ण, प्रेयसी श्री राधा के अंग परिमल से तुम्हारा चित्त उन्मत्त रहता है। हे श्री राधिके, प्रियतम के अंग सौरभ द्वारा तुम्हारी इंद्रियां अपहरण कर ली जाती हैं। श्लोक 11 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी वंशी प्रेम मूर्ति स्वरूपिणी गोप रमणी शिरोमणि कार्तिक देवी या उर्जेश्वरी
श्री राधा का गुणगान करने के लिए सदा बजती रहती है। हे श्री राधिके, तुम्हारी रसना विश्व आह्लादक मुकुंद श्री कृष्ण के यशों के कीर्तन रस का आस्वादन करती रहती है। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, प्रेम मूर्ति स्वरूपिणी ललिता आदि में सर्वश्रेष्ठ कार्तिक देवी श्री राधा की कीर्ति के गाने के लिए तुम्हारी वंशी सदैव मुखरित या बजती रहती है। हे राधिके, तुम्हारी रसना सबको आह्लादित करने वाले मुकुंद श्री कृष्ण के यशों के कीर्तन रस को भली भांति जानती है। अमरकोश 1611 में कहा है कि यश कीर्ति एवं समज्ञा समानार्थक शब्द हैं। श्लोक 12 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे नयन कमल की माधुरी के द्वारा व्रज नव युवतियों की शिरोमणि श्री राधा का चित्त रूपी राजहंस निरुद्ध हो गया है। हे श्री राधिके, तुम्हारे अति निपुण तिरछे चितवन रूपी जाल में व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चित्त रूपी मीनराज आबद्ध हो गया है। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुमने अपने नेत्र कमल की माधुरी से व्रज नव युवती शिरोमणि श्री राधिका के चित्त रूपी हंस को वशीभूत कर रखा है। हे श्री राधिके, व्रजराज नंदन श्री कृष्ण का चित्त ही मीनराज है। उसको आबद्ध करने के लिए तुम्हारा कटाक्ष जल अति निपुण है। अमरकोश 3-3-200 में कहा है कि आनायह पुलिंग शब्द जाल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ नेत्र सौंदर्य वशतः परस्पर की आसक्ति को व्यंजनावृत्ति के आधार पर व्यक्त किया गया है। श्लोक 13 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी वंशी नाद रूपी अगस्त मुनि श्री राधा के अचल धैर्य रूपी सिंधु का पान करता है। हे श्री राधिके, तुम अखिल विद्याओं में श्रेष्ठ वीणा के वंदनीय गान द्वारा संपूर्ण भुवन मोहनकारी श्री कृष्ण के चित्त रूपी हिरण को सम्मोहित करती हो। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, कलश से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि रूपी तुम्हारा वेणुवाद गोपेंद्र श्री नंद राय जी के मित्र श्री वृषभानु की कन्या श्री राधिका के अचल धैर्य रूप सिंधु का पान करने वाला है। हे श्री राधिके, तुम विद्याओं में श्रेष्ठ महती वीणा के वंदनीय गान द्वारा अखिल विमोहन श्री कृष्ण के चित्त रूपी हिरण को सम्मोहित करती हो। यहाँ सर्वोत्कृष्ट गान विद्या से परस्पर की अनुरंजकता अर्थात अनुरक्ति सूचित हो रही है। श्लोक 14 संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, तुम कभी भी आनुषांगिक रूप में अर्थात प्रसंगवश उच्चारित श्री राधिका का नाम श्रवण करके तत्क्षणात् समस्त विलास आदि कला कलापों को भूल जाते हो। हे श्री राधिके, कृष्ण इन युगल वर्णों को सुनने मात्र से ही तक्षण तुम्हारे श्री अंगों में सात्विक भाव सूचक जड़ता व्याप्त होने लगती है। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे श्री कृष्ण, किसी भी समय प्रसंगवशतः श्री राधिका का नाम उच्चारित होने से अखिल विलास कलाओं के समूह को तुम भूल जाते हो। हे श्री राधिके, कृष्ण इस युगल वर्ण को सुनने मात्र से ही तुम्हारे समस्त अंगों में जड़ता का विस्तार होने लगता है। इस प्रकार यहाँ नाम माधुर्य से परस्पर की वश्यता सूचित हो रही है। श्लोक 15 संस्कृत अनुवाद। हे गोपराज नंदन श्री कृष्ण, गोकुल वरेण्य वृषभानु राजनंदिनी श्री राधे, यह हत भागिन मस्तक पर अंजलि बांधकर तुम दोनों को प्रणाम करते हुए कुछ भिक्षा मांगती है। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। इस श्लोक में बल्लव पुरंदर का अर्थ है गोपराज श्री नंद जी और गोकुल वरेण्य का अर्थ राजा विषभानु जी है। श्लोक 16 संस्कृत अनुवाद। श्री श्री राधा कृष्ण को संबोधन करके किस भिक्षा की प्रार्थना की
की जा रही है अब उसे कहा जा रहा है। आहा, हे श्री कृष्ण, हे श्री राधिके, तुम दोनों के मांस रहित घनीभूत करुणा अमृत रूपी झरने से परिपूर्ण है, अतएव तुम इस दुर्जन के प्रति प्रसन्न हो। तुम अपने दर्शन के प्रतिभू अर्थात निश्चित उपाय स्वरूप रति का एक बिंदु मुझे प्रदान करो। स्तवमाला विभूषण भाष्य, संस्कृत अनुवाद। हंत, यह पद हर्ष सूचक है। जिनका मांस रहित घनीभूत कृपा मृत रूपी झरने से परिपूर्ण है, उन श्री श्री राधा कृष्ण के लिए यह संबोधन है। इस दुर्जन अर्थात मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे अपनी रति का एक बिंदु प्रदान कीजिए। यदि कहो कि यह रति कैसी हो, इसके लिए कह रही हैं, आपके दर्शनों का निश्चित आश्वासन देने वाली के रूप में इस रति की महिमा गान की जाती है। हलायुद्ध कोश में कहा है, प्रतिभू और लग्नक समानार्थक शब्द हैं। श्लोक 17 है, संस्कृत अनुवाद। रति कार्य के विषय में बतलाया जा रहा है, हे श्री कृष्ण, हे श्री राधिके, तुम जगत में सभी के मन को हरण करने वाली समस्त उपादेय वस्तुओं के शिरोभूषण स्वरूप हो। तुम दोनों में से एक जन नवीन व्यस के कारण श्यामा अर्थात उत्तम युवतियों के लक्षण से लक्षित और दूसरा परम शोभा के कारण श्याम अर्थात मरकत मणि के समान उज्ज्वल है। पुनः एक जन निर्मल कांति के कारण प्रतप्त कांचन के समान गौरांगी और दूसरा निर्मल यश के कारण गौर अर्थात श्वेत है। अतएव तुम्हारी इस प्रकार की रूप माधुरी मेरे हृदय में सर्वदा स्फुरित हो। स्तवमाला विभूषण भाष्य, संस्कृत अनुवाद। समस्त जनों के मन को आकर्षित करने वाली सभी वस्तुओं के शिरोभूषण स्वरूप हे श्री श्री राधा रमन, तुम दोनों की कोई ऐसी माधुरी अर्थात सुंदरता मेरे हृदय में सदा स्फुरित होती रहे। यदि कोई प्रश्न करे कि आप दोनों कैसे हैं, इसके लिए नववयः सुषमाभ्याम श्याममयोः इत्यादि पद कहा गया है। नव का अर्थ स्तुत्य अर्थात प्रशंसनीय है। नव में द्विवचन का प्रयोग है, अतः वह नवीन वयस और नवीन सुषमा दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। अमर कोश के अनुसार 1.3.17 सुषमा स्त्रीलिंग अधिक शोभा का एक नाम है। पुमान स्त्रिया इस पाणिनीय सूत्र के आधार पर श्यामा च श्यामः च इन दोनों शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द श्यामयोः शेष रह जाने से एक शेष द्वंद्व समास होता है। इसी प्रकार गौरयोः शब्द को भी जानना चाहिए अर्थात गौरीश्च गौरश्च। इन दोनों शब्दों के स्थान पर पुमान स्त्रिया सूत्र से गौरयोः शेष रहा। नवीन वयस श्यामा का तात्पर्य 16 वर्षीय श्री राधा से है। नवीन सुषमा से सुशोभित श्याम का तात्पर्य मरकत मणि के समान दिखाई पड़ने वाले श्री कृष्ण से है। यदि पुनः कहो कि तुम दोनों कैसे हो, इसके लिए कह रहे हैं, अमल कांति एवं यश के कारण क्रमशः गौरी एवं गौर। अमल कांति के कारण गौरी अर्थात कनक के समान दिखाई देने वाली श्री राधा, अमल यश के कारण गौर अर्थात श्वेत श्री कृष्ण। शब्दकोश के अनुसार गौर के पीत अरुण और श्वेत ये तीन अर्थ हैं। श्लोक 18 संस्कृत अनुवाद। परस्पर की माधुरी में निमग्न तुम्हारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इस अभिप्राय से कहा जा रहा है, हे श्री कृष्ण, तुम व्रजराज श्री नंद के नंदन हो। हे श्री राधिके, तुम व्रज के वंदनीय व्रजवासी प्रधान श्री वृषभानु राजा की नंदनी हो। मैं तुम दोनों को प्रणाम करके यह प्रार्थना करती हूँ कि तुम सहज ही मुझे अपना दास्य प्रदान करो, सहज ही मुझे अपना दास्य प्रदान करो। स्तवमाला विभूषण भाष्य, संस्कृत अनुवाद। सर्वबल्लभ वरेण्य कुमारों का तात्पर्य है समस्त गोपों के वरेण्य श्री नंद राय जी
एवं समस्त गोप वृंद के वंदनीय श्री विश्वभानु महाराज जी के क्रमशः कुमारी एवं कुमार। यह संबोधन श्री राधा कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, अन्य सब स्पष्ट ही है। और भी आरती से भरी मुझ जैसी दीन दासी के लिए आप दोनों का दास्य ही प्रयोजन है। श्लोक 19 संस्कृत अनुवाद। इसके बाद प्रणिपत्य इत्यादि दो श्लोके के द्वारा प्रसन्न हुए उन श्री युगल किशोर से क्रमशः करुणा की याचना की जा रही है। हे पशुपालेंद्र कुमार श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे श्री चरणों में प्रणत होकर काकुवाणी से यह प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझे व्रज रमणियों की शिरोमणि श्री राधा की करुणा पात्री कर दो। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे पशुपालेंद्र कुमार, तुम्हारे श्री चरणों में प्रणत होकर मैं काकुवाणी से तुम्हारी कृपा की प्रार्थना करती हूँ। यदि कहो कि कैसी कृपा की प्रार्थना कर रही हो, इसके लिए कह रही है, मेरी जैसी दासी को गोकुल युवतियों के मुकुटमणि श्री राधा की दया का पात्र बना दो। श्लोक 20 संस्कृत अनुवाद। हे उर्जेश्वरी श्री राधिके, मैं तुम्हारा अभिवादन करके चाटु वाक्यों से यह वरदान मांगती हूँ कि बकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण मुझे तुम्हारी जानकर मुझ पर अधिक कृपा करें। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे उर्जेश्वरी अर्थात कार्तिक मास की अधिष्ठात्री श्री राधे, तुम्हें प्रणाम करके मैं चाटु वाक्यों से श्रेष्ठ वरदान की प्रार्थना करती हूँ। यदि कहो कि क्या वर चाहती हो, इसके लिए कह रही है, तुम्हारे ही भाव से अर्थात मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी वस्तु हूँ, ऐसा जानकर बकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण मुझ पर अत्याधिक कृपा करें। श्लोक 21 संस्कृत अनुवाद। इसके बाद श्री युगल किशोर के पार्षद वृंद से दया की याचना की जा रही है। हे श्री राधा कृष्ण के प्रणयी पार्षद वृंद, तुम सब श्री राधा कृष्ण के साथ सदैव इस वृंदावन में चारों ओर विचरण करते हो, अतः तुम सब भी मेरे दुख की बात सुनकर मुझ पर कृपा करो। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे श्री राधा एवं श्री कृष्ण के प्रणयी जनों अर्थात हे श्री राधा की सखियों और हे श्री कृष्ण के सखाओं, मेरी काकुवाणी को सुनकर तुम सब मुझ पर करुणा करो। यदि कहो कि सखियां और सखा किस प्रकार के हैं, इसके लिए कह रहे हैं, पशु पालकों के द्वारा वरेण्य अर्थात वंदनीय श्री गोपराज नंद एवं श्री विश्वभानु के क्रमशः नंदन श्री कृष्ण और नंदिनी श्री राधिका के साथ वृंदावन की समस्त दिशाओं में विहार करने वाले उनके सखा और सखियां उनकी लीला के नित्य परिकर हैं। यह अर्थ है। श्लोक 22 संस्कृत अनुवाद। सामान्य रूप से श्री युगल किशोर के समस्त परिकरों से प्रार्थना करने के उपरांत अब उन परिकरों के नाम ग्रहण करते हुए गिरी इत्यादि से प्रारंभ करके तीन श्लोकों के द्वारा सखी और सखा के भेद से युक्त दो वर्गों से प्रार्थना की जा रही है। हे देवी ललिते, गिरी कुंज कुटीर के नागरी और नागर श्री राधा कृष्ण सदैव तुम्हारे वचनों के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अतएव तुम स्वतंत्र भाव से मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार करो अर्थात श्री युगल सेवा में नियुक्त करो। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे देवी ललिते, गिरी निकुंज कुटीर नागरी एवं नागर अर्थात क्रीड़ा विदग्ध श्री राधिका एवं श्री माधव सदैव तुम्हारे वचनों के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। अतः तुम स्वयं स्वतंत्र भाव से मुझे अंगीकार करो। अमर कोश 3.1.24 के अनुसार आश्रव शब्द वचने स्थित का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ आज्ञाकारी होता है। श्लोक 23 संस्कृत अनुवाद। हे विशाखे, इस वृंदावन में तुम गौर और नील वपु को धारण करने वाले
श्री श्री राधा माधव के प्रणयी जनों में करुणा की श्रेष्ठ पात्री हो। अतएव तुम मुझे अपने प्रणयी श्री श्री राधा कृष्ण के करुणा से स्निग्ध कटाक्ष को प्राप्त कराओ। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे विशाखे, तुम इस गोकुल में गौर तथा नील वपु श्री श्री राधा माधव के प्रणयी जनों में करुणा की श्रेष्ठ पात्री हो। अतएव अपने प्रणयी उन दोनों का करुणा से सिंचित कटाक्ष मुझे प्राप्त कराओ। श्लोक 24 संस्कृत अनुवाद। हे सुबल, इस व्रजमंडल में तुम श्री व्रज राजकुमार एवं श्री विश्वभानु कुमारी के प्रिय नर्म सखा हो। अतएव आज मेरे प्रति किंचित कृपा करके मेरा दुख वृतांत उन युगल चरणों में निवेदन कर दो। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे सुबल, इस व्रज में तुम श्री नंद राय जी के कुमार एवं श्री विश्वभानु की कुमारी अर्थात श्री श्री राधा मुकुंद के प्रिय नर्म सखा हो। इस कारण से उन दोनों कुमारों के सम्मुख मुझ जैसी विरह दुखित दासी के दुख को कृपया करुणापूर्ण भाव से निवेदन कर दो। श्लोक 25 संस्कृत अनुवाद। अब श्री श्री राधा गोविंद की किंकरियों को उद्दिष्ट करके कहा जा रहा है, हे मेरे प्राणेश्वर श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में उन्मत्त प्रिय किंकरी गण, यह दीन दासी विनम्र चित्त से जो निवेदन कर रही है, अनुग्रह पूर्वक उसे क्षण भर के लिए तो सुनो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर क्या कभी कुछ समय के लिए भी श्री युगल चरणों की प्रेम सेवा को कर सकूंगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे प्राणेश अर्थात श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में उन्मत्त किंकरीगण, कृपया आप सब सुनिए। क्या सुने? इसके लिए कह रही हैं, यह दीन हीन दासी जो कुछ निवेदन कर रही है उसे सुनिए। यदि पुनः कहो कि क्या निवेदन कर रही हो, इस पर कह रही है, यह दीन हीन दासी विनम्र चित्त से तुम सबके साथ क्षण भर के लिए एक साथ और एक ही समय में उन दोनों प्राणेश श्री श्री राधा गोविंद की प्रेम पूर्वक सेवा क्या कभी कर पाएगी? श्लोक 26 संस्कृत अनुवाद। अब अपने दोष का अनुसंधान करते हुए कहा जा रहा है, कहां तो मेरे जैसी अति पामर असहाय दासी और कहां जात रति भक्त जनों के लिए भी दुर्लभ यह प्रेम सेवा। यद्यपि मैं जानती हूं कि मेरे जैसी दासी के लिए ऐसी प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, तथापि अति महान तृष्णा मुझे अधीर बना रही है। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। कहां तो अति पामर असहाय यह दासी और कहां जात रति भक्तों के लिए भी दुर्लभ ऐसा सेवा सौभाग्य, अर्थात ऐसे सेवा सौभाग्य से जुड़ पाना, उसे प्राप्त कर पाना मेरी जैसी दासी के लिए बहुत कठिन है। ऐसा होने पर भी यह अति तीव्र तृष्णा मुझे चंचल बना रही है। यदि कहो कि वह तृष्णा कैसी हो, इसके लिए कहती हैं, अजर जरा अर्थात नवीना। विश्वकोश में कहा है, जर्जर का पर्यायवाची शब्द जीर्ण है। गुरु अर्थात महान, भावार्थ यह है कि वह महान तृष्णा नव नवायमान रूप में प्रकट हो रही है। श्लोक 27 संस्कृत अनुवाद। अपनी योग्यता को जानकर भी पुनः अति तृष्णा पूर्वक प्रार्थना की जा रही है, हे विभो श्री कृष्ण, ब्रह्म मराल अर्थात ब्रह्मा जी के वाहन राजहंस के कूजन को निंदित करने वाली श्री राधा जी की नुपुर ध्वनि से मिश्रित तुम्हारी उस वंशी ध्वनि को मैं कब अपने इन दोनों मंद कानों से सुन सकूंगी, जिस ध्वनि ने समस्त नाग नागरी की श्रेष्ठ साम्राज्य लक्ष्मी को भली भांति प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है कि कानों को आनंद प्रदान करने वाली जितनी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ध्वनियां हो सकती हैं, उन सब की सार संपत्ति है श्री राधा जी की नूपुर की ध्वनि से समृद्ध श्री श्याम सुंदर की यह वंशी ध्वनि। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे विभो अर्थात हे भगवान,
वंशी से उत्पन्न कल अर्थात मधुर ध्वनि को मैं कब अपने दोनों कानों का आराध्य बना पाऊंगी, अर्थात कब उसका कानों के द्वारा सेवन कर पाऊंगी। यदि कहो कि वह मधुर ध्वनि कैसी है, इसके लिए कह रही है, वह ध्वनि उर्जेश्वरी श्री राधा की नूपुर ध्वनि से समृद्ध है। पुनः वह नूपुर ध्वनि कैसी है, उस नूपुर ध्वनि के द्वारा ब्रह्म मराल अर्थात चतुरानंद ब्रह्मा जी के वाहन राजहंस का कूजन भी तिरस्कृत हो जाता है। पुनः वह वंशी नूपुर मिश्रित ध्वनि कैसी है, प्रशंसनीय है, जिसने समस्त नाद रूपी नगरी की साम्राज्य लक्ष्मी अर्थात श्रेष्ठ अधिकार संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है कि श्री राधिका की नूपुर की झंकार के साथ रास मंडल में तुम्हारा वेणुनाद मैं कब सुन पाऊंगी। श्लोक 28 संस्कृत अनुवाद। हे वृंदावनेश्वरी श्री राधिके, शिखी पिच्छ मौली श्री कृष्ण की वंशी के स्वरों को भंग तथा स्तब्ध करने वाली तुम्हारी उच्च वीणा ध्वनि कब मेरे श्रवण गोचर होगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे वृंदावनेश्वरी, तुम्हारी महती वीणा की ध्वनि कब मेरे कर्ण गोचर होगी। यदि कहो कि वह ध्वनि कैसी है, इसके लिए कह रही है, वह ध्वनि शिखी पिच्छ मौली श्री कृष्ण की वेणु के स्वर को भंग करके उसे स्तंभित कर देती है। जिस वीणा की ध्वनि के श्रवण से मोहित हुए श्री कृष्ण का वेणुनाद पहले तो बेसुरेपन को प्राप्त करता है तथा फिर लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे रुक जाता है। क्या मैं भी कभी क्षण मात्र के लिए भी तुम्हारी उस वीणा की ध्वनि को श्रवण कर पाऊंगी, यही अर्थ है। श्लोक 29 संस्कृत अनुवाद। इसके बाद दोनों के द्वारा मिलकर किए गए गान को सुनने के लिए याचना की जा रही है। हे प्रभुवर श्री राधा गोविंद, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम दोनों मिलकर सुमधुर संगीत का गान करोगे तथा उत्कृष्ट माधुर्य की तरंग से पूर्ण उस गान को सुनकर मेरी श्रवण इंद्रियों की दुष्कृति दूर होगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे प्रभुवर उदय श्री राधा गोविंद, इस दासी का वह दिन कब आएगा जिस दिन तुम दोनों की कल गीति अर्थात सुमधुर संगीत एक साथ उदित होकर मेरे कानों की दुष्कृति अर्थात सांसारिक कथा श्रवण रूपी दोष का नाश करेगी। वा पद का प्रयोग वाक्य अलंकार के लिए है, विकल्प सूचक के अर्थ में नहीं। यदि कहो कि वह सुमधुर संगीत कैसा है, इसके लिए कह रही है, वह ऊंची ऊंची माधुर्यमयी तरंगों से समृद्ध है। श्लोक 30 संस्कृत अनुवाद। इसके बाद श्री राधा गोविंद के अंग सौरभ के अनुभव के लिए प्रार्थना की जा रही है। हे नागरराज श्री कृष्ण, हे नागरी मणि श्री राधिके, जो अपनी महिमा के लेश मात्र द्वारा समस्त सुगंधित सामग्रियों की माधुरी को पराजित करती है, इस प्रकार की कस्तूरी और कुमकुम से सुवासित अर्थात लेपित आपके गौर और नील श्रीअंगों की गंध का आघ्राण करके मेरा घ्राणेन्द्रिय रूप भ्रमर कब आनंदित होगा। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे नागरराज, हे नागर सुंदरी, आप दोनों की सौरभ परंपरा या सुगंध धारा कब मेरे घ्राण रूप भ्रमर के लिए उत्सव स्वरूप होगी। विश्वलोचनकार के अनुसार सरणी के दो अर्थ हैं, श्रेणी एवं वर्त्म। यदि कहो कि वह सौरभ धारा कैसी है, इसके लिए कह रही हैं, तुम्हारे गौर एवं नील अंगों की सुगंध ने तुम दोनों के अंगों पर क्रमशः सुशोभित कस्तूरी एवं कुमकुम या केसर पर अनुग्रह करके उनकी सुगंधी को भी अपने में मिलाकर विचित्रता को प्राप्त किया है। पुनः वह सौरभ धारा कैसी है, उस सुगंध धारा ने स्वयं प्रस्फुटित होकर अपनी महिमा के लेश मात्र से अशेष गंध को आच्छादित कर दिया है। श्लोक 31 संस्कृत अनुवाद। अत्यंत निकटता का सौभाग्य प्राप्त करना तो अति दुर्लभ है, अतः
दूर से ही दोनों के साक्षात्कार हेतु प्रार्थना की जा रही है। हे नाथ श्री कृष्ण, हे वृंदावनेश्वरी श्री राधिके, मैं इस वृंदावन में अपने मुख में तर्जनी उंगली डालकर पुनः पुनः फुत्कार करते हुए रोदन कर रही हूँ। अतएव क्षण काल के लिए ही तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो और विद्युत लता एवं नवीन मेघ के समान अपनी रूप माधुरी मेरे नयनों के गोचर कराओ। सब माला विभूषण भाष्य अनुवाद। अंगुष्ठ के बाद वाली उंगली को प्रदेशनी एवं तर्जनी कहा जाता है। अमरकोश 2:6:81 में कहा है, तर्जनी एवं प्रदेशनी अंगूठे के पास वाली उंगली के दो नाम हैं। उसे मुख में डालकर यह दासी फुत्कार करती है, अर्थात सिसकती है। अन्य पदों का अर्थ स्पष्ट ही है। तुम दोनों की छवि अर्थात कांति क्रमशः विद्युत एवं मेघ के समान है। श्लोक 32 संस्कृत अनुवाद। चरण नख समुदाय को देखने की इच्छा से प्रार्थना की जा रही है। हे नाथ श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, तुम दोनों व्रज मंडल में स्थित मधुर मूर्ति समस्त नर नारियों के शिरोभूषण हो, अतएव मैं तुम्हारे निकट कुछ प्रार्थना कर रही हूँ। तुम दोनों के चरण कमल के नखचंद्र की चांदनी या छटा से क्षण भर के लिए मेरे नयन युगल चमत्कृत हो। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। अर्थ स्पष्ट ही है। श्लोक 33 संस्कृत अनुवाद। अकस्मात परस्पर मिले उन दोनों स्वामी एवं स्वामिनी को देखने की इच्छा से प्रार्थना की जा रही है। हे श्री श्री राधा गोविंद, जिस समय निकुंज भवन के प्रांगण में तुम दोनों परस्पर के अकस्मात दर्शन से उत्पन्न हुए प्रचुर आनंद के कारण प्रीति से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हो, उस समय जगमगाते गौरांग और नीलांग दोनों मिलित होकर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो स्वर्ण यूथिका पुष्प की मंजरी पर मधुपान में रत कृष्णवर्ण का भ्रमर बैठा हो। इस प्रकार मिलित आपके अंगों की सुंदर शोभा मेरे नयन युगल की चमत्कृति का अतिशय विस्तार है। स्तवमाला विभूषण भाष्य। तुम दोनों के अंगों की सुंदर शोभा मेरे आंखों को प्रचुर रूप में चमत्कृत करे। यदि कहो कि किस स्थान पर, इसके लिए कहती है निकुंज भवन के प्रांगण में। यदि प्रश्न हो कि तुम दोनों कैसे हो, इसके लिए कह रही है अकस्मात परस्पर का जो दर्शन होता है उससे अतिशय उल्लसित होने के कारण प्रीति से भरकर एक दूसरे को आलिंगन करते हुए। पुनः तुम दोनों कैसे हो, जगमगाते गौर एवं नील अंग के तुम दोनों की उपमा देकर पुनः तुम्हारी विशेषता बतलाते हुए कहती है तुम दोनों के श्रीअंगों की शोभा स्वर्ण जूही मंजरी या बौर और उस पर विराजित भ्रमर की सुंदरता के समान अत्यंत रमणीय है। श्लोक 34 संस्कृत अनुवाद। अपनी अयोग्यता का अनुभव करते हुए अनुताप पूर्वक याचना की जा रही है। हे श्री श्री राधा गोविंद, कैसा आश्चर्य है, सर्व साधन से संपन्न होने पर भी महात्मा गण अपने मन में क्षण काल के लिए भी तुम्हारे जिन दर्शनों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते, अति दुर्वासनाग्रस्त मंद बुद्धि मैं इन नेत्रों से तुम्हारे उन्हीं दर्शनों की प्राप्ति की इच्छा कर रही हूँ। अहो, क्या मैंने लज्जा भयादि सब कुछ खो दिया है। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। बत विस्मय के अर्थ में है। जिन सर्वेश्वरों श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार करने से आह्लादनी विज्ञान का घटन अर्थात आनंद का अनुभव होता है, समस्त साधनों के संपन्न होने पर भी श्रेष्ठ साधु मन में भी उनका थोड़ा सा साक्षात्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे तुम दोनों के इन नेत्रों से दर्शन करने की इच्छा करने वाली प्राकृत इंद्रियों और देह से युक्त अति दुर्वासनामय मंद बुद्धि मेरे जैसी दीनहीन दासी भय और लज्जा को पराजित कर मानो निगल गई है, अर्थात अयोग्य होने पर भी मैं निर्भय और निर्लज्ज होकर
ये सब कह रही हूँ। श्लोक 35 संस्कृत अनुवाद। इस प्रकार की प्रार्थना करने में अपनी अति मूर्खता बतलाकर भी अब वैसी प्रार्थनाओं में श्री युगल की माधुरी ही कारण है, इसको बतलाया जा रहा है। अथवा उपरोक्त प्रार्थनाएं करने में मेरा दोष ही क्या है? हे वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण, हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, तुम्हारी नित्य नवीन गुण माधुरी भला किसको उन्मादित नहीं करती? अर्थात तुम दोनों की गुण माधुरी की मधु में मत होकर ही मैं ऐसी प्रार्थनाएं कर रही हूँ। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। तुम दोनों की गुण माधुरी अर्थात दीनों का उद्धार करने वाले, पतितों को पवित्र करने वाले आदि गुणों की मधुरता और तुम्हारी नित्य नवीनता किसे उन्मादित नहीं करती? रमणीय वस्तु की मनोहरता के कारण रंग या दरिद्र का भी उसके प्रति लोभ होना स्वाभाविक ही है। अतएव मुझ दीन की उन्मादकता का कारण भी वस्तु की रमणीयता ही है, यह भाव है। श्लोक 36 संस्कृत अनुवाद। हे व्रज के नटवर शेखरणी श्री कृष्ण, हे व्रज की नटनियों की शिरोमणि श्री राधे, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा शुभ अवसर आएगा कि जब अति सुंदर कृपा अमृत से परिपूर्ण और सखियों के चित्त चकोर को विस्मित कर देने वाले तुम दोनों के मुखचंद्र मेरे नयन पथ के पथिक बन पाएंगे? स्तवमाला विभूषण भाष्य। चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित काव्यमाला के अंतर्गत स्तवमाला के श्री उत्कलिका वल्लरी इस काव्य में प्रस्तुत श्लोक के उपलब्ध न होने के कारण इसकी टीका भी उपलब्ध नहीं हो पाई, किंतु अन्य संस्करणों में इस श्लोक को देखकर हमने अपनी प्रस्तुत संस्करण में उसे स्वीकार किया है। श्लोक 37 संस्कृत अनुवाद। हे नाथ श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, तुम दोनों परस्पर के पक्षगणों सहित तुमूल विवाद करते हो और तुम सभी की परस्पर के प्रति वक्रोक्ति के कारण जिस विवाद का मर्म अति दुर्बोध्य है, तुम दोनों अपने उस प्रणय कलह रूप केली कौतुक को श्रवण करा के मेरी श्रवण इंद्रियों को कब चमत्कृत करोगे? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे अधीश्वर, हे अधीश्वरी, तुम दोनों की प्रेम कलह रूप कैली कौतुक श्रेणी क्या कभी मेरे कानों में विस्मय उत्पन्न करेगी? किम शब्द का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया गया है? यदि कहो कि वह प्रेम कलह कौतुक कैसा है, इसके लिए कह रही हैं। परिजनों के द्वारा की गई सहायता से अत्यंत वर्धित हुआ है। पुनः वह प्रेम कलह कैसा है? वक्र कुलाहल युक्त रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप के द्वारा निविड़ता को प्राप्त है। श्लोक 38 संस्कृत अनुवाद। हे अघर श्री कृष्ण, श्री राधिका जब एकांत में तुम्हारी वंशी हरण कर लेंगी, तब तुम मेरी वंशी किसने ली, मेरी वंशी किसने चोरी की, इस प्रकार इधर उधर जिज्ञासा करते करते अपनी वंशी को ढूंढोगे। उस समय श्री राधिका के पक्ष की एक सखी तुम्हारी वंशी इसने ली है ऐसा कहकर अपने ही पक्ष की किसी दूसरी सखी की ओर इंगित करेगी, और तब तुम उस निर्दोष सखी के साथ कलह करोगे और इंगित करने वाली सखियां धूर्त को ठग लिया कहकर हंसती रहेंगी। उस समय तुम्हारे मुख पर प्रकाशित होने वाले भावों को देखकर मेरे नयन युगल कब परितृप्त होंगे? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे अघर अर्थात पाप का हरण करने वाले, तो मेरे नेत्रों को कब संतुष्टि प्रदान करोगे? यदि कहो कि किस प्रकार से संतुष्टि प्रदान करूं, इसके लिए कह रही हैं। एकांत निभृत निकुंज में जैसी अवस्था में हो उस अवस्था में, ऐसा कहने के बाद स्पष्ट करते हुए कह रही हैं। श्री राधा के द्वारा तुम्हारी वंशी का अपहरण कर लिए जाने पर जब तुम सभी दिशाओं में इधर उधर देखते हुए किसने मेरी वंशी चुरा ली है इस प्रकार पूछोगे,
तब वहाँ जिसके द्वारा वंशी नहीं चुराई गई है उसी सखी की ओर इंगित करके सखियां तुम्हें वंचित करेंगी। यदि कहो कि किस प्रकार की सखियों के द्वारा तुम वंचित होगे, मुस्कान के कारण जिनके मनोहर मुखों ने विचित्र रूपों को धारण कर लिया है उन सखियों के द्वारा। अतः यह धूर्तराज भी सखियों के द्वारा अच्छी प्रकार से ठग लिया गया। यह जानकर तुम्हारी उस समय की अवस्था के दर्शन से मेरे नेत्र कब परितृप्त होंगे। श्लोक 39 संस्कृत अनुवाद। हे देवी श्री राधिके, श्री कृष्ण अपने ही दांतों से अपने अधर बिंब को शत अर्थात काट करके जिस समय ललिता के निकट कहेंगे, हे ललिते देखो तुम्हारी सखी श्री राधिका ने मेरा अधर शत कर दिया है। श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर तुम उस समय मंद मुस्कान के साथ भ्रुकुटी युक्त तिरछे चितवन से उन्हें निहारोगी। उस समय अपने मुख की वैसी शोभा का दर्शन करा के तुम मुझे कब परितृप्त या आनंदित करोगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य संस्कृत अनुवाद। हे देवी श्री राधिके, अपने अधर दल को अपने ही दांतों से क्षत करके ललिता तुम्हारी सखी राधा ने यह क्षत किया है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर तुम्हारे श्रीमुख की जो शोभा होगी वह मुझ में परम हर्ष को कब अर्पण करेगी। यदि कहो कि उन श्री राधा की मुख शोभा कैसी है, उनके श्रीमुख की शोभा मंद मुस्कान के द्वारा चित्रित कटाक्षपात और श्री कृष्ण की महाविदूषकता को किंचित व्यंजित करने वाले कुछ उठी हुई भावों से युक्त है। इस प्रकार उन मिथ्यावादी श्री कृष्ण पर श्री राधा जी का कोप व्यंजित हुआ। श्लोक 40 संस्कृत अनुवाद। दैन्य अवलंबन करके पुनः कहा जा रहा है, हे आर्थनाथ श्री श्री राधा गोविंद, यद्यपि उत्तम भागवत गणों द्वारा वांछनीय तुम्हारी प्रेम सेवा की आशा करना भी इस निकृष्ट दासी के लिए सर्वदा अयोग्य है, तथापि तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट कृपा द्युति योग्य अयोग का विचार नहीं करती, इसलिए मैं दुर्लभ प्रेम सेवा हेतु प्रार्थना करने में प्रवृत्त हो रही हूँ। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे आर्थपालक, हे आर्थपालिके, यह दीनहीन दासी उस प्रकार के सेवा सौभाग्य की इच्छा भी करने के योग्य है क्या? यदि कहो कि वह सेवा सौभाग्य कैसा है, वह प्रेम सेवा परम भागवतों के लिए भी वांछनीय है, अथवा जिस प्रेम सेवा की प्राप्ति में आप दोनों की कृपा द्युति अत्याधिक रूप से जयुक्त होकर संपूर्ण उत्कर्षता के साथ विराजित हो रही है। यदि कहो कि वह कृपा द्युति कैसी है, वह उत्तम अधम के विचार से रहित है। यद्यपि मैं अधम हूँ तथापि तुम्हारी कृपा से ही मेरी इस प्रकार की इच्छा करने की प्रवृत्ति उदित हुई है, यह अर्थ है। श्लोक 41 संस्कृत अनुवाद। उस कृपा के फल की प्रार्थना की जा रही है। हे दामोदर, दैववश श्री विश्वभानु की अति प्रिय पुत्री श्री राधिका के साथ तुम्हारा विच्छेद होने पर कुपित ललिता जी मेरी भर्त्सना करेंगी। इस भय से तुम उद्विग्न नेत्र द्वारा प्रकाशित व्याकुलता से युक्त हो जाओगे। उस समय निकुंजस्थ सारिकाएं अवसर प्राप्त करके राज नंदिनी श्री राधा की तुमने अकारण वंचना की है ऐसा कहकर तुम्हारा बहुत तिरस्कार करेंगी। अतएव अपनी तत्कालिक वदन माधुरी दिखलाकर तुम कब मेरी इच्छा अनुसार मेरे नयन युगल को आनंदित करोगे। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे दामोदर, तुम कब मेरी इच्छा अनुसार मेरे नेत्रों को आनंदित करोगे? यदि कहो कि किस रूप में तुम्हारे नेत्रों को आनंदित करूं, इसके लिए कह रही हैं। श्री विश्वभानु की अति प्रिय पुत्री श्री राधिका के साथ दैववशात तुम्हारी विच्छेद होने पर क्रोध से दमकती हुई ललिता के भय से भयभीत होकर
उद्विग्न नेत्र वाले तुम्हें देखकर अवसर को जानने वाली सारिकाएं जब परम सुंदर रूपवान राजपुत्र होने पर भी तुम में बुद्धि का सौंदर्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अनुपम रूप गुण से युक्त तुम में संपूर्ण रूप से तन्मय हुई राजपुत्री श्री राधा को ही तुम ठग रहे हो, इस प्रकार की उल्हाने दे रही होगी। उन उल्हानों को सुनकर उस समय तुम्हारे मुख कमल पर जो सब विचित्र भाव प्रकाशित होंगे, उन भावों से युक्त अपने दर्शन देकर मुझे आनंदित करो। आनंद विधान की अभ्यर्थना अर्थात याचना के लिए इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया गया है कि यदि तुम मुझे अंगीकार करते हो तो रूठी हुई सब सखियों को किसी भी प्रकार के चातुर्य से तुम्हारे अनुकूल करके तुम्हें आनंदित करूंगी, अर्थात किसी कौशल विशेष का अवलंबन करके ललिता जी को प्रसन्न करके श्री राधा से तुम्हारा मिलन कराऊंगी। उज्जवल नामक जो श्री कृष्ण का सखा है, वही श्री राधा गोविंद की लीला पुष्टि के लिए स्मरदेव या कंदर्प देव है। यह विच्छेद कर्म भी देव अर्थात उज्जवल का ही है, क्योंकि श्री राधा गोविंद की माधुरमयी लीलाओं का काल कर्म गुण और देव आदि के साथ कोई संपर्क नहीं होता। लीला के विस्तार के लिए निश्चित रूप से उज्जवल की इच्छा से ही ये सब होता है। श्लोक 42 संस्कृत अनुवाद। हे श्रीमती राधिके, श्री वृंदावन में रास क्रीड़ा आरंभ होने पर श्री कृष्ण अन्य अन्य व्रज रमणियों का परित्याग करके तुम्हें निर्जन में ले जाएंगे और वहां वे तुम्हारे अधीन होकर अनेक प्रकार के पुष्पों के द्वारा तुम्हारी वेशभूषा में तत्पर होंगे। इस घटना को दूर से देखकर कब मेरा हृदय गर्व से पूर्ण हो उठेगा। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे श्रीमती राधे, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वृंदावन भूमि पर तुम्हें दूर से ही देखकर शीघ्र ही मेरा हृदय गर्व से भर उठेगा? यदि कहो कि श्री राधा किस प्रकार की हैं, इसके लिए कह रही हैं। रास का आरंभ होने पर व्रज की समस्त कमल नयनाओं को परित्याग करके निर्जन में ले जाकर केशव के द्वारा पुष्प वेश रचना द्वारा अर्चित समस्त अंगों वाली। यदि कहो कि किस प्रकार के केशव के द्वारा वेश रचना की जा रही है, इसके लिए कह रही हैं। कुसुम अलंकारों के निर्माण एवं वेश रचना आदि कार्यों के द्वारा जिन्होंने श्री राधा जी को स्वाधीन प्रियतमा अर्थात स्वाधीन भर्तका का पद प्राप्त कराया है, अर्थात जो केशव सदा श्री राधा जी की आज्ञा के अधीन है। श्लोक 43 संस्कृत अनुवाद। हे व्रज राजकुमार, प्रातः काल चंद्रावली के कुंज से श्री राधिका के कुंज में आकर माननी श्री राधिका के मान भंजन के लिए उनके अल्तांकित श्री चरणों में मस्तक झुकाने के कारण तुम्हारी अलकावली अर्थात घुंघराले केश लाल वर्ण की हो गई है एवं रात्रि जागरण के कारण तुम्हारे नयन युगल उस समय निंद्रा आवेश के कारण मुकुलित अर्थात अधमुदे तथा आलस्य से भरे होने के कारण क्लांत हो रहे हैं। दूसरी ओर चंद्रावली की सखियां तुम्हारे मुख कमल की शोभा को अल्तायुक्त देखकर क्षोभवशतः विवर्ण होकर वक्र दृष्टि से तुम्हारे उन भावों को देख रहे हैं। अतएव तुम्हारी तत्काल उचित वैसी मुख शोभा कब मेरे हृदय में युगपत आनंद एवं गर्व का विस्तार करेंगी। स्तवमाला विभूष्य भाष्य अनुवाद। हे व्रजेश, तुम्हारे श्रीमुख की शोभा कब मेरे हृदय में अत्यंत गर्व और आनंद का विस्तार करेंगी? हलायुत कोश में कहा गया है, दर्प मद एवं अवलेप सामानार्थक शब्द हैं। यदि कहो कि उस मुख की शोभा कैसी है, इसके लिए कह रही है, ऊर्जा देवी श्री राधिका के चरणों के अलता में प्रणति करने से लगी हुई रक्तिम प्रभा से युक्त अलकावलियों से रमणीय है। पुनः यदि कहो कि वह मुखश्री कैसी है, तक्षण अर्थात उस समय किंचित निद्रा से मुकलित अलसाय और क्लांत नेत्रों से युक्त है।
अमरकोश में कहा है। सद्यः सपदि एवं तक्षण समानार्थक शब्द हैं। पुनः यदि कहो कि वह मुखश्री कैसी है, प्रातः काल में विवर्ण हुए चंद्रावली के परिजनों के द्वारा वक्र दृष्टि से देखे जाने वाली। श्लोक 44 संस्कृत अनुवाद। हे देवी श्री राधिके, अधर सुधा पान को पण रखकर तुम दोनों के पिचकारी द्वारा होने वाले जल सेचन क्रीड़ा रूपी उत्सव के आरंभ होने पर जब उस क्रीड़ा में जयलाभ करके श्री कृष्ण हष्ट चित्त से अधर सुधा पाने के लिए सब सखियों के समक्ष तुम्हारे कंठ देश को ग्रहण करेंगे, उस समय बाह्य रूप से कोप को प्रकाशित करने के कारण लाल लाल नयन और कुटिल भ्रूलता को ऊपर चढ़ाने तथा गर्व हेतु श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण उन्नत हास्य एवं रोदन से मिश्रित तुम्हारे श्रीमुख कमल का मैं कब दर्शन करूंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे देवी, जल सेचन रूपी उत्सव में मैं तुम्हारे वक्र श्रीमुख का कब दर्शन करूंगी। व्यातुक्षी का अर्थ पिचकारी आदि से परस्पर के ऊपर जल का छिड़काव करना है। कर्म व्यतिहारेण च स्त्रियां अर्थात भाववाच में स्त्रीलिंग होने पर कर्म व्यतिहार गम्यमान हो तो धातु में णिच प्रत्यय होता है। पाणिनीय 3.3.43 सूत्र में व्यातुक्षी पद की सिद्धि है, जिसके अनुसार व्यात उत्क्षीर भसोत्सव का अर्थ है जल सेचन क्रीड़ा रूपी आवेश से युक्त उत्सव या होली। यदि कहो कि वह उत्सव कैसा है, इसके लिए कह रही है अधर सुधा पान रूपी पण से युक्त है। यदि कहो कि तुम कैसी हो, इसके लिए कह रही है उस उत्सव में विजय प्राप्त कर अधर सुधा पाने के लिए उत्सुक श्री हरि के द्वारा सखियों के सम्मुख कंठ देश को धारण की हुई। यदि कहो कि तुम्हारे मुख का वक्रभाव कैसा है, अल्प रक्तिमा अल्प मुद्रित आँखों और कुटिल भ्रूलताओं से युक्त तथा गर्व हेतु श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण ऊंचा उठा हुआ। प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा रानी के किलकिंचित कुट्टमित और बिब्बोक तीनों भावों का वर्णन किया गया है। इनके लक्षण हैं जैसे नायक नायिका के संकाल में अतिशय हर्ष के कारण नायिका के गर्व हास्य एवं अभिलाष आदि भाव यदि भय कोप इत्यादि द्वारा विमिश्रित होते हैं, उन भावों का पंडितगण किलकिंचित रूप में वर्णन करते हैं। नायक द्वारा स्तन स्पर्श एवं मुख चुंबन आदि करने पर यदि नायिका का बाहर से कोप प्रकाशित हो और भीतर से आनंद हो तो उस भाव को पंडितगण कुट्टमित कहते हैं। गर्व के कारण इष्ट वस्तु में अनादर की अभिव्यक्ति को बिब्बोक कहा जाता है। इन लक्षणों को यहाँ युक्त करना होगा। श्लोक 45 संस्कृत अनुवाद। हे व्रजेंद्र नंदन, सखियों से परिवेष्टित होकर गांधार्विका श्री राधिका जब तुम्हारे पुष्प वाटिका में प्रवेश करके अलक्षित रूप से आनंद पूर्वक पुष्प चयन कर रही होंगी, तब तुम सहसा ही उस स्थान पर प्रवेश करके श्री राधिका की सहचरी भानुमती के वक्ष स्थल से उत्तरीय वसन को बलपूर्वक ग्रहण करोगे। उस समय बाहर से कोप का प्रकाश करने वाले एवं अंतर में गूढ़ हास्य से युक्त तुम्हारे मुख कमल को मैं कब देख पाऊंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे गोष्ठाधीश श्री नंद कुमार, ललिता आदि सखियों के साथ गांधार्विका श्री राधा जब धीरे धीरे तुम्हारी पुष्प वाटिका में पहुंचकर अनेक अनेक प्रकार के पुष्पों को चुरा रही होंगी, तभी सहसा सामने से प्रवेश करके गांधार्विका श्री राधा की सहचरी भानुमती के वक्ष स्थल से उत्तरीय को बलात् छीनने वाले तुम्हारे मैं कब दर्शन प्राप्त करूंगी। यदि कहो कि तुम कैसे हो, इसके लिए कह रही हैं रहस्यमयी मुस्कान से युक्त मुख कमल वाले। अमरकोश के अनुसार सहसा का अर्थ अर्थकित
अर्थात अचानक है। श्लोक 46 संस्कृत अनुवाद। हे व्रजेंद्र नंदन, इस व्रज में वसंत उत्सव के आरंभ होने पर सखियों से वेष्टित होकर मंद हास्य के द्वारा उज्जवल मुख वाली श्री राधिका के चपल कटाक्ष के प्रेरण से अर्थात उनके इंगित से निभृत स्थान पर भेजे गए आप जब गुणमंजरी नाम की सखी का मुख चुंबन कर रहे होगे, तब तुम्हें इस प्रकार करते हुए मैं कब दर्शन करूंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे ब्रजराज नंदन, सखियों से व्याप्त वसंत उत्सव के उदय होने पर मैं तुम्हें कब देखूंगी? यदि कहो कि श्री कृष्ण को क्या करते देखना चाहती हो, इसके लिए कह रही है मंद हास्य के द्वारा उज्ज्वल मदीश्वरी श्री राधिका की तिरछी चितवन के द्वारा प्रेरित होकर छिप कर बैठी हुई गुणमंजरी नाम की सखी का मुख चूमते हुए। श्लोक 47 संस्कृत अनुवाद। इस प्रकार से विनोद दर्शन की प्रार्थना करने के उपरांत अब सेवा की प्रार्थना की जा रही है। हे नाथ श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, तुम दोनों कालिंदी तटवर्ती वन विहार से थक कर जब माधवी लता के मूल में विश्राम कर रहे होगे, उस समय मैं अपने केशपाश को खोलकर उसके द्वारा तुम्हारे चरण कमलों की रज का कब सम्मार्जन करूंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे अधीश्वर, हे अधीश्वरी, मेरे जैसी दासी के द्वारा अपने केशपाश खोलकर उन केशों के द्वारा तुम दोनों के चरण कमलों से धूल कब पोंछी जाएगी? यदि कहो कि तुम दोनों कैसे हो, तो इस अपेक्षा से ही कालिंद इत्यादि कहा गया है, जिसका अर्थ स्पष्ट है। श्लोक 48 संस्कृत अनुवाद। हे कुंजराज श्री श्री राधा रमन, हाय, कब मैं भ्रमरों से सुशोभित निकुंज भवन में सुकोमल पुष्पों के द्वारा तुम्हारे कंदर्भ युद्ध का भार सहन करने में सक्षम कुसुम शैया और नव पल्लवों द्वारा उपधान अर्थात तकिये की रचना करूंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे कुंजराज, हे कुंजेश्वरी, इस निकुंज में कब मैं स्वच्छ कोमल पुष्पों से तुम दोनों की शैया की रचना करूंगी? यदि कहो कि कैसे निकुंज में, इसके लिए कह रही हैं भ्रमरों से युक्त निकुंज में। यदि कहो कि शैया किस प्रकार की बनाओगी, पल्लवों की पंक्तियों से निर्मित उपधान या तकिये से युक्त। पुनः यदि कहो कि वह बिछौना और तकिया कैसे होंगे, इसके लिए कह रही हैं कंदर्प युद्ध के भार को सहन करने में सक्षम। श्लोक 49 संस्कृत अनुवाद। हे श्री श्री राधा रमन, विलास शैया पर स्थित तुम दोनों के चरण कमलों और मुख कमलों को धुलाने के लिए अपनी सखियों से परिवेष्टित होकर सूर्यपुत्री कालिंदी नदी के भ्रमर माला के समान कृष्ण वर्ण वाले जल को स्वर्ण की झारी में भरकर मैं कब तुम्हारे निकट लाऊंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। मैं अपने प्रणीय जनों के साथ तुम दोनों के चरण कमलों को जल के द्वारा कब धुलवाऊंगी? इसके उपलक्षण में मुख कमल को धुलवाना भी समझना होगा। यदि कहो कि तुम दोनों कैसे हो, इसके लिए कह रही हैं विलास शैया पर स्थित। यदि कहो कि किस प्रकार के जल से प्रक्षालन कराऊंगी, इसके लिए कह रही हैं सूर्य नंदिनी कालिंदी के प्रवाह से स्वर्ण झारी में भरकर लाए हुए भ्रमर की कांति के समान अर्थात श्याम कांति में जल के द्वारा। स्मृति शास्त्रों में कहा है कालिंदी काल सलिला अर्थात कालिंदी श्याम रंग की नदी है। श्लोक 50 संस्कृत अनुवाद। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदीश्वरी श्री राधिके, संध्या के आरंभ में निकुंज के बीच विलास शैया के ऊपर बैठकर जब तुम दोनों द्यूत क्रीड़ा आरंभ करोगे तथा तुम दोनों ही जीतने की इच्छा से हास परिहास आदि कौतुक रस में निमग्न होगे, उस समय क्या मैं धीरे धीरे तुम्हारा पाद संवाहन कर पाऊंगी?
स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे मदीश्वर शिशिराधा रमन, संध्या के आरंभ में तुम दोनों के मिलन का उपक्रम होने पर कुंज में द्यूत क्रीड़ा के कारण हो रहे कलह के समय क्या कभी मैं तुम दोनों के चरण कमलों का संवाहन कर पाऊंगी? यदि कहो कि तुम दोनों कैसे हो, इसके लिए कह रही हैं, जीतने की इच्छा से परस्पर परिहास करते हुए। पारे मध्य षष्ठया वा, इस सूत्र के अनुसार मध्य में षष्ठी विभक्ति लग जाने से दोनों ही रूप बनते हैं। कुंजस्य मध्ये अथवा मध्य कुंज, अर्थात कुंज के मध्य में अथवा मध्य कुंज में। यहाँ अव्ययी भाव समास का प्रयोग है। श्लोक संख्या 44 में व्यवहित व्यात उक्षी पद के समान ही इस पद की सिद्धि है, अन्य अर्थ स्पष्ट ही है। श्लोक 51 संस्कृत अनुवाद। हे वृंदावनेश्वर, हे वृंदावनेश्वरी, इस निकुंज वन में अति उन्मत्ता से युक्त स्मर विलास में दक्ष तुम दोनों जब विलास के आरंभ में परस्पर हृष्ट चित्त होकर मधुपान के लिए अभिलाषा करोगे, उस समय मैं मधु से भरा हुआ पान पात्र तुम्हारे निकट उपहार स्वरूप लाकर कब कृतार्थ होंगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे वृंदावनेश्वर, हे वृंदावनेश्वरी, मधुपान लीला के लिए उन्मुख तुम दोनों के लिए मैं विशुद्ध मधु से भरा हुआ प्याला कब प्रदान करूंगी? यदि कहो कि किसे प्रदान करोगी, इसके लिए कह रही हैं, अत्याधिक मदमत्ता से युक्त मदन युद्ध के आरंभ में स्मर विलास में अति कुशल उन दोनों जनों को प्रदान करूंगी। अमरकोश 2:10-42 के अनुसार चषक और पान पात्र मदिरा के प्याले के दो नाम हैं। श्लोक 52 संस्कृत अनुवाद। हे व्रज नवयुवराज श्री कृष्ण, हे व्रज नवयुति श्री राधिके, विलास कुसुम शैया पर लेटे हुए जब तुम दोनों के नयन युगल किंचित उन्मिलित अर्थात खुले हुए होंगे, अलकावलियां श्वेत बिंदुओं से आद्र होंगी तथा तुम परस्पर के शांति सूचक रसालाप में प्रवृत्त होंगे, उस समय लताओं की मंजरियों से बने चामर के द्वारा मैं कब तुम दोनों का वीजन करूंगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य। हे व्रज नवयुवन युगल, मैं कब आनंदित होकर चामर के द्वारा तुम्हारी सेवा करूंगी? लताओं की मंजरियों के द्वारा निर्मित चामर अर्थात व्यजन के द्वारा कब आनंद पूर्वक हवा करते हुए तुम्हारी सेवा करूंगी? अन्य अर्थ स्पष्ट ही है। श्लोक 53 संस्कृत अनुवाद। हे दनुज दमन श्री कृष्ण, श्री राधा जी के उपदेश से मैं कब तुम्हारे चूड़ा बंधन को खोल करके उसमें मयूर पुच्छ एवं पुष्पों को हटा करके चूड़े के स्थान पर अग्रभाग में कमल के पुष्प से सुशोभित वेणी गूंथ दूंगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य। हे दनु के पुत्र दानवों का दमन करने वाले, देव्यः अर्थात श्री राधिका के उपदेश से तुम्हारे चूड़े को खोलकर कब मैं वेणी की रचना करूंगी? यदि कहो कि चूड़ा कैसा है, इसके लिए कह रही हैं, चंद्र आकृति मोरपुच्छ जिसके शिखर से गिरा है तथा थोड़ा सा ढीला बंधे होने के कारण अमल पुष्पों की श्रेणी जिसमें से नीचे गिर रही है, ऐसा है वह चूड़ा। यदि कहो कि वेणी कैसे बनाओगी, इसके लिए कह रही हैं, जिसका अग्रभाग कमल से युक्त होगा। विश्वकोश में कहा गया है, कोटि शब्द के चार अर्थ हैं, किनारा अग्रभाग करोड़ एवं भेद। श्लोक 54 संस्कृत अनुवाद। हे कमल मुखी श्री राधिके, स्मर विलास के समय मयूर पुच्छ के समान सुशोभित तुम्हारे केश कलाप के खुलकर कंधे के ऊपर गिरने से मैं पुनः कबरी बंधन करके उस कबरी या जूड़े को कब आनंद पूर्वक विकसित मल्लिका माला से सुशोभित करूंगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद।
हे कमलमुखी श्री राधिके, मैं कब तुम्हारे केश कलाप समूह की कबरी अर्थात बंधन विशेष की रचना कर उसे विकसित मल्लिकाओं की माला से अलंकृत करूंगी? यदि कहो कि किस प्रकार के कुंतलों या केशों की कबरी बनाओगी? इसके लिए कह रही हैं, स्मर विलास के कारण कंधे पर बिखरे हुए केशों की। यदि कहो कि उन क्लेशों का कलाप समूह कैसा है? इसके लिए कह रही हैं, राधा जी के केश कलाप अपनी स्निग्धता के कारण श्री कृष्ण के मयूर पुच्छ के समान प्रतीत हो रहे हैं। हलायुद्ध कोश के अनुसार केश बंधन के विशेष प्रकार हैं, वेणी, धम्मिल्ल, कुंतल, कबरी इत्यादि। उक्त कोश में ही कहा गया है, मल्लिका का दूसरा नाम विचकिल है। श्लोक 55, संस्कृत अनुवाद। हे ब्रजेश अर्थात व्रज युवराज, द्यूत क्रीड़ा आरंभ होने पर तुम दोनों अपने अपने हिरण को पण रखोगे। तब उस क्रीड़ा में व्रज रमणी शिरोमणि श्री राधिका तुम्हें हरा कर तुम्हारे हिरण को लाने के लिए जब हमें संकेत करेंगी, तब तुम्हारे प्रिय सखा मधु मंगल आदि के समक्ष ही हम तुम्हारे हिरण को बांध कर मदीश्वरी श्री राधा जी के निकट उपस्थित करेंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे व्रजेश, व्रज युवती शिरोमणि हमारी स्वामिनी श्री राधिका के द्वारा द्यूत क्रीड़ा कलहा में तुम्हें जीत जाने पर उनकी आंखों के संकेत से प्रेरित होकर हम इस द्यूत क्रीड़ा के पण स्वरूप तुम्हारे हिरण को तुम्हारे प्रियगण मधुमंगल आदि के देखते देखते ही बांध कर कब लाएंगी? यदि कहो कि किस प्रकार के द्यूत क्रीड़ा कलहा में? इसके लिए कह रही हैं, ऐसे द्यूत क्रीड़ा कलहा में जो श्री राधा कृष्ण के परस्पर स्पर्धा अर्थात ईर्ष्या से बंधे होने के कारण प्रबल रूप से बढ़ने वाला है। श्लोक 56, संस्कृत अनुवाद। हे देवी श्री राधिके, क्या कभी मेरा ऐसा शुभ दिन होगा कि जिस दिन द्यूत क्रीड़ा सभा में श्री माधव को पराजित करके उन गर्वित श्री माधव का परिहास करने के लिए तुम नेत्रों के संकेत द्वारा मुझे नियुक्त करोगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे देवी श्री राधे, हे स्वामिनी, क्या कभी मेरा ऐसा शुभ दिन होगा कि जिस दिन द्यूत सभा में अपने भुजबल पर गर्वित माधव को जीतकर उन पर हंसने के लिए तुम मुझे नियुक्त करोगी? यदि कहो कि तुम उनका कैसे परिहास करोगी? इसके लिए कह रही हैं, अब तुम्हारा गर्व कहाँ चला गया? द्यूत तो निश्चित रूप से बुद्धिबल द्वारा जीता जाता है, बाहुबल द्वारा नहीं। ऐसे बाहुबल से असुरों को मारकर तुम बड़े गर्वित होते हो। इस प्रकार कहकर मैं श्री कृष्ण का परिहास करूंगी। श्लोक 57, संस्कृत अनुवाद। हे नाथ श्री कृष्ण, क्या कभी मेरा ऐसा दिन होगा कि जिस दिन तुम वृषभानु नंदिनी श्री राधिका का मान भंग करने के लिए मेरे समक्ष अत्याधिक आदरपूर्वक विनती करोगे? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे स्वामिन श्री कृष्ण, क्या कभी मेरा ऐसा दिन होगा कि जिस दिन तुम मुझे अत्याधिक सम्मान प्रदान करते हुए श्री नंद राय जी के मित्र श्री विषभानु की कन्या मानिनी श्री राधिका के प्रबलतर मान को भंग करने के लिए मुझ जैसी दासी से प्रार्थना करोगे? अर्थात हे सुंदरी, सौहार्द आदि गुणवती मेरे एकमात्र हितकारिणी, तुम्हारे द्वारा सदैव श्री राधा जी की अंग सेवा करने के कारण श्री राधा जी तुम में अनुरक्त हैं, अतएव वे तुम्हारे वचनों को अवश्य ही मान लेंगी। इस प्रकार मुझसे याचना करोगे? श्लोक 58, संस्कृत अनुवाद। हे दामोदर, श्री राधिका के आगमन में विलंब देखकर तुम मुझे, हे श्री राधे, सारिका द्वारा कहे गए तुम्हारे आदेश को सुनकर मैं आनंदित होकर तुम्हारे राधा कुंड के तीर पर बैठा हुआ हूँ। श्री राधे, तुम्हारे आगमन में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इत्यादि मेरे संदेश कुसुमों को लेकर श्री राम की बहन श्री राधा जी के निकट पहुँचाना। इस प्रकार के वचन कहकर कब मुझे श्री राधा जी के निकट प्रेरण करोगे?
स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे दामोदर, इस प्रकार के मेरे संदेश कुसुम को श्री दाम की बहन श्री राधिका के पास पहुंचा देना। इस वचन के द्वारा तुम मुझ जैसी दासी को कब श्री राधा जी के निकट प्रेरित करोगे? यदि प्रश्न हो कि यह संदेश किस प्रकार का है, तो इसकी अपेक्षा में त्वत इत्यादि अर्ध श्लोक कहा गया है और इसका अर्थ स्पष्ट है। श्लोक 59 संस्कृत अनुवाद। हे श्री राधिके, तुम्हारे माननी होने पर मैं उस महाधूर्त का मुख अब और नहीं देखूंगी। सुबल प्रिय कृष्ण स्त्री वेश धारण करके मेरे कुंज में आ रहा है, अतएव तुम इसे रोको इत्यादि। तुम्हारे वचनों का अभिप्राय ठीक से समझकर गोप प्रवर श्री कृष्ण को वंचना एवं आडंबर पूर्ण वचनों के द्वारा क्या मैं कभी निषेध करूंगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे स्वामिनी श्री राधिके, तुम्हारे वचनों के अभिप्राय को निश्चित कर अर्थात ठीक से समझकर विकसित बुद्धि वाली मैं वंचना एवं आडंबर पूर्ण वचनों से गोपाल चूड़ामणि श्री कृष्ण को क्या कभी निषेध करूंगी? यदि प्रश्न हो कि श्री राधा की यह वचन कैसे हैं, तो उत्तर है षठो अयम इत्यादि, अर्थात श्री राधा जी कहेंगी चाटु वचनों के द्वारा बाहर से प्रेरित करते हुए भी अंतर में अप्रिय कार्य करने के कारण कृष्ण षठ हैं। मैं मानधन वाली हूँ, अर्थात मान ही मेरा धन है, अतः वे मेरे द्वारा देखे जाने योग्य नहीं हैं। देखो, मुझसे मिलने के लिए सुबल का सखा श्री कृष्ण स्त्री वेश में मेरे मंदिर में प्रवेश कर रहा है। तुम उसे छल वाणी से रोको, उसे आने मत दो। सुबल तो स्त्री वेश धारण करके हमारे गुरुजनों को वंचित करता रहता है। लगता है कि उससे यह विद्या इस श्री कृष्ण के द्वारा भी प्राप्त कर ली गई है। कुंज में प्रवेश करने वाले श्री कृष्ण उस समय तुम्हारे ऐसे नीरस या रूखे वचनों से निरस्त होकर अपनी षट्ता का परित्याग कर देंगे तथा अन्य कोई उपाय ना देख मुझसे अनुनय विनय करेंगे। तब मैं तुम्हारे अभिप्रेत वचन अनुसार श्री कृष्ण से कहूंगी, तुमने पहले भी दैत्य विमोहन के लिए स्त्री या मोहिनी वेश धारण किया था, परंतु अब यह कोई दैत्य नहीं, अतएव यह खड़े क्या कर रहे हो? फिर तुम्हारी माता भी तुम्हें शीघ्र बुला रही है। मेरी स्वामिनी के दोनों ओर स्थित रहने वाली अति चतुर गोपियां तुम्हें स्त्री वेश में भी पहचान लेंगी, अतः यहां अब तुम्हारे प्रवेश का कोई अवसर नहीं है। स्वामी, अपने शाठ्य का ध्यान करते हुए अपने घर की ओर लौट जाएं। इस प्रकार के छल और गर्वपूर्ण वचन मैं कब कहूंगी? श्लोक 60 संस्कृत अनुवाद। हे अग्नाशक, श्री वृंदावन में वृषभ की आकृति का कोई दैत्य आकर तुम्हारे प्रियतम नवीन बैल के ऊपर बड़ा ही अत्याचार कर रहा है, अतः तुम शीघ्र ही आकर उसे रोको। हे मुकुंद, मैं इस प्रकार के झूठ मूठ के वचन कहकर तुम्हें कब चंद्रावली के निकुंज से मदीश्वरी श्री राधिका के निकट लेकर जाऊंगी? स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे मुकुंद, चंद्रावली के भवन में स्थित तुम्हें मैं मिथ्या वाणी द्वारा वन भूमि में विराजमान मदीश्वरी श्री राधिका के निकट कब ले जाऊंगी? यदि प्रश्न हो कि वह मिथ्यावाणी कैसी है, तो उत्तर है, हे अगहर, तुम्हारा प्रिय जो नवीन बैल है, वह बैल रूपी धारी किसी दैत्य के द्वारा बलपूर्वक आक्रांत कर लिया गया है। ऐसी यद्यपि मिथ्या वचनों के प्रति मेरी विमुखता रहती है, तथापि यदि तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं झूठे वचनों से भी तुम्हें सुख पहुंचाऊंगी। श्लोक 61 संस्कृत अनुवाद। हे देवी श्री राधिके, अति घने अंधकार द्वारा जगत के ढक जाने पर तुम्हारे मणिमय कांची और नूपुर आदि झंकृत होने वाले अलंकारों को उतार कर भ्रमर की कांति के समान कृष्ण वर्ण के आवरण से तुम्हारे विद्युत के समान परम उज्ज्वल श्री अंगों को ढककर मैं कब तुम्हें नव अभिसार
कर आऊंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे देवी, अत्यंत गाढ़ अंधकार के द्वारा जगत के ढक जाने पर अर्थात ऐसी अंधेरी रात्रि में भ्रमर के समान काले रंग वाली निचोल अर्थात ओढ़नी के द्वारा तुम्हारे विद्युत प्रभा के समान उज्जवल अंगों को ढककर मैं नवीन अभिसार के लिए तुम्हें कब ले जाऊंगी? यदि कहो कि तुम्हें किस प्रकार से ले जाऊंगी, तो उत्तर है, झनकार के भय से मणियों से निर्मित करधनी एवं नूपुरों से रहित करके। अमरकोश 2:6-116 में कहा गया है, निचोल और प्रच्छदपट समानार्थक शब्द हैं, जिसका अर्थ ओढ़नी होता है। श्लोक 62 संस्कृत अनुवाद। हे नाथ श्री कृष्ण, तुम अपने मुख से चर्वित तांबूल को श्री राधिका के मुख में अर्पण करोगे। हे देवी श्री राधिके, तुम प्रणय कोपवश तुम्हारा उच्छिष्ट नहीं खाऊंगी कहकर उसे कृष्ण के सामने ही पत्ते के ऊपर फेंक देगी। उस समय तुम्हारे अभिप्राय को जानकर कुंचित कलेवर वाली मैं तुम दोनों के प्रसादी उस चर्वित तांबूल को भक्षण करके कब रोमांचित कलेवर वाली होंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य। हे नाथ शिशि राधा रमन, तुम्हारे द्वारा चबाए हुए तांबूल का यह दासी गुप्त रूप से कब रसास्वादन करेगी? यदि कहो कि यह दासी कैसी है, इसके लिए कह रही है, सकुंचित अंगों वाली तथा पुनः हम दोनों के प्रसाद रूप इस तांबूल को यह कृपा पात्री भक्षण करे, तुम्हारे ऐसे भाव को जानकर ऐसे महाप्रसाद का आस्वादन करके रोमांचित अंगों वाली। यदि प्रश्न हो कि यह चर्वित तांबूल कैसा है, तो उत्तर है, हे व्रजनाथ, तुम्हारे द्वारा प्रीति पूर्वक अपने मुख से देवी श्री राधिका के मुख में किसी भी प्रकार से अत्याधिक आग्रह पूर्वक अर्पित किया हुआ तथा हे देवी श्री राधे, तुम्हारे उच्छिष्ट को मैं नहीं पा सकती। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर प्रणय जनित वाम्यता के कारण तुम्हारे मुख से पत्ते के ऊपर फेंका गया। श्लोक 63 संस्कृत अनुवाद। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदीश्वरी श्री राधिके, तुम दोनों परस्पर प्रणय मान करके एक दूसरे के दर्शन के लिए उत्कंठित होने पर भी अपने अपने आग्रह की रक्षा के लिए एक दूसरे को देखोगे भी नहीं। उस समय हे श्री कृष्ण, तुम बारंबार मेरे प्रति नेत्रों से इंगित क्यों कर रहे हो? इससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि माननीय स्वामिनी श्री राधा तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं है। इस प्रकार झूठ मूठ के वचनों द्वारा मैं कब तुम दोनों को हंसाऊंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे स्वामी, हे स्वामिनी, मैं कब तुम दोनों को हंसाऊंगी? यदि प्रश्न हो कि तुम दोनों कैसे हो, तो उत्तर है, दोनों ही प्रणयमान अर्थात अकारण मान धारण किए हुए हो, अतएव तुम दोनों के द्वारा परस्पर के दर्शन के लिए उत्कंठित रहने पर भी तुम एक दूसरे को देखोगे भी नहीं, क्योंकि तुम दोनों ही अपने अपने आग्रह की रक्षा कर रहे हो। यदि कहो कि किस उपाय से हम दोनों के हास्य को उदय कराऊंगी, इसके लिए कह रही है, हे मुकुंद, इस नयन नटन चलन से मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो? ये माननीय श्री राधा तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने वाली नहीं है, अतः अपनी चेष्टाओं से विराम लो। इस प्रकार झूठ मूठ के वचनों से मैं तुम दोनों को हंसाऊंगी। इसका भाव यह है, मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो, इत्यादि वाक्य का आस्वादन करके श्री स्वामिनी जी के होठों पर मुस्कान उदित हो गई। वे समझने लगी कि श्री हरि मान रहित हो गए हैं, अन्यथा ऐसी बात क्यों करते। अतएव ऐसा समझकर अर्थात श्री हरि के मान के पहले भंग होने से अपने को विजयी समझकर श्री राधा जी मुस्कुरा दी। दूसरी ओर श्री कृष्ण समझने लगे कि मेरे समीप अपनी सखी को भेज दिया, इससे स्पष्ट है कि श्री राधा मुझसे पहले ही मान रहित हो गई हैं। इस प्रकार अपने को विजयी मानकर श्री स्वामी के मुख पर भी स्मित का उदय हो गया।
श्लोक 64 संस्कृत अनुवाद। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदीश्वरी श्री राधिके, मेरा क्या ऐसा शुभ क्षण कभी होगा कि जिस क्षण में मैंने कुंज में नाना वर्णों के गंध द्रव्यों के द्वारा तुम्हारे ललाट पर पत्रावली की रचना करके तुम्हारे परम शोभा का संपादन करूंगी। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे स्वामिनी श्री राधे, हे स्वामिन श्री माधव, क्या कभी मेरा वह अवसर होगा? विश्वलोचनकार के अनुसार अवसर का प्रयोग मत, प्रस्ताव एवं वर्ष, इन तीन अर्थों में किया जाता है। हेमकोश के अनुसार अवसर शब्द का प्रयोग वत्सर या वर्ष एवं क्षण दोनों के लिए होता है। हे स्वामिनी, यह दासी रंग बिरंगे सुगंधित द्रव्यों से तुम्हारे उज्जवल ललाट के साथ साथ स्वामी के ललाट पर भी अनुराग पूर्वक सुंदर पत्रावली की कब रचना करेगी? त्वया सह तव, ये दोनों के लिए प्रयुक्त है, अर्थात हे स्वामिनी, तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वामी अथवा हे स्वामी, तुम्हारे साथ तुम्हारी स्वामिनी, दोनों प्रकार से अर्थ हो सकता है। विविध वर्ण पीले, नीले, लाल एवं श्वेत, चारों रंगों के सुगंधित द्रव्यों को समान रूप से पंखिल कर दिया गया है, यह अर्थ है। श्लोक 65 संस्कृत अनुवाद। यद्यपि मैं ऐसी सेवा की याचना के योग्य नहीं हूँ, तथापि व्रज में निवास प्राप्त होने के कारण मुझ में ऐसी सेवा की आशा उत्पन्न हो गई है, इसलिए निवेदन किया जा रहा है। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदीश्वरी श्री राधिके, यद्यपि तुम्हारा यह सेवा सौभाग्य जिससे सुलभ होता है, वैसी प्रेम संपद मेरे हृदय में नहीं है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी मैंने कभी उसका अनुभव नहीं किया है, तथापि तुम्हारे नित्य लीला स्थान इस वृंदावन में निरंतर वास करने के कारण मुझ में ऐसी बलवती आशा अधिक दृढ़ हो रही है। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे श्रेष्ठ प्रभु द्वय शिशि राधा कृष्ण, तुम दोनों का यह सेवा सौभाग्य जिससे सुलभ होता है, उस प्रेम की छटा या झलक स्वप्न में भी मुझे स्फुरित नहीं होती। यदि कहो कि तब क्या निराश हो जाती हो, इसके लिए कह रही हैं। यद्यपि स्वप्न में भी मुझे प्रेम की छटा स्फुरित नहीं होती, तथापि तुम्हारे लीलाधाम व्रज में निरंतर निवास करने के कारण इस सेवा भाग्य रूप वस्तु में उत्पन्न आशा बंध मुझे और भी अधिक दृढ़ करता है। हलायुत कोश में कहा गया है, आर्य परिव्रण स्वामी प्रभु नेता और नायक, यह पर्यायवाची शब्द हैं। श्लोक 66 संस्कृत अनुवाद। मेरा व्रज निवास भी एकमात्र तुम्हारी कृपा से ही साध्य हुआ है, ऐसा मैंने अनुमान कर लिया है। तब फिर तुम्हारा साक्षात सेवा सौभाग्य भी तुम्हारी कृपा द्वारा साध्य बन ही जाएगा, ऐसी व्यंजना करते हुए कहा जा रहा है। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदीश्वरी श्री राधिके, तुम्हारा दास्य भाव प्राप्त कर परम प्रेमिक श्री उद्धव आदि महतगण जिस स्थान पर तृण गुल्म आदि जन की कामना करते हैं, मैंने निकृष्ट जन प्राप्त करके भी जिसके प्रभाव से उसी श्री वृंदावन में वास करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तुम्हारी उस दीन गामिनी कृपा को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। तुम्हारे सेवक की पद्धति को प्राप्त करके निर्मल प्रेम अर्थात जात रति से युक्त श्री उद्धव आदि महाजनों द्वारा भी इस श्री वृंदावन में तृण संबंधी अर्थात दुर्वा लता गुल्म औषधि किसी भी जन की वांछा की गई है। जैसा कि श्री उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत के 10:47-61 में कहा है, जिन समस्त गोपियों ने आत्मीय जनों और आर्य धर्म जिनका त्याग करना अति कठिन है, उसे भी परित्याग कर परम अनुराग पूर्वक श्री गोविंद का भजन किया था, क्या मैं कभी उनकी चरण धूलि को प्राप्त कर सकूंगा? किंतु उनकी चरण धूलि के प्रति मेरी लालसा होने पर भी वह अति दुर्लभ है,
अतएव वृंदावन में जो समस्त गुल्म लता और औषधियाँ इनकी चरण धूलि का सेवन कर रही हैं, क्या मैं उनमें से कोई एक हो सकूंगा? इस श्री वृंदावन में मेरे जैसे निंदनीय जन्म प्राप्त करने वाले की भी, जिसके प्रभाव द्वारा यह स्थिति हुई है, आप दोनों की उस कृपा को मैं सतत नमस्कार करता हूँ। यदि कहो कि यह कृपा कैसी है, इसके लिए कहती हैं, कृपण अर्थात दीन जनों की ओर प्रवाहित होने वाली। अमरकोश 1:5-29 में कहा है, जनु जननम जन्म जनी उत्पत्ति और उद्भव, यह पर्यायवाची शब्द हैं। श्लोक 67 संस्कृत अनुवाद। इसके बाद भक्ति के प्रभाव से पूर्ण चेतनता की प्राप्ति होने पर विश्रम्भ अर्थात घनिष्ठता के द्वारा प्राप्त बल से माधव्या इत्यादि दो श्लोकों द्वारा कह रहे हैं, हे तमाल तरो, तुम वृंदावन के कल्प द्रुम हो, इस कानन राज्य की राजलक्ष्मी माधवी के द्वारा तुम्हें आपात शिखर अर्थात नीचे से ऊपर तक घेर लिए जाने से तुम्हारे अंग प्रत्यंग रूपी शाखा प्रशाखाएं अति मनोहर हो गई हैं, एवं तुम दोनों का मिश्रित सौरभ श्री वृंदावन की चारों दिशाओं को सुगंधित कर रहा है। तुम्हारी कीर्ति रूप छाया का आश्रय करने पर जगतवासी मात्र ही संताप रहित हो जाते हैं, अतएव तुम्हारे पाद मूल का आश्रय करने पर किसी विचित्र फल की प्राप्ति निश्चय ही होगी, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे तमाल वृक्ष, माधवी लता द्वारा चरणों से लेकर मस्तक तक तुम्हारा आलिंगन करने से तुम्हारे स्कंद शाखा आदि अंग बहुत मधुर हो गए हैं। यदि कहो कि किस प्रकार की माधवी के द्वारा, इसके लिए कह रही हैं, वन की राजधानी में राज अधिकार रूपी संपत्ति को प्राप्त करने वाली माधवी के द्वारा। हे तमाल तरो, वृंदावन में चारों ओर तुम दोनों के मिश्रित सौरभ का विस्तार हो रहा है। तुम्हारी कीर्ति छटा की छाया से विश्व में किसी का भी संताप नहीं रहता है। ऐसे महिमाशाली तुम्हारे पाद मूल में आश्रय लेने वाले के द्वारा किसी विचित्र फल की प्राप्ति होने में क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है, यह अर्थ है। जिस स्थान पर कहे जाने वाले पांच प्रकारों में से किसी एक प्रकार से अप्रस्तुत विषय के द्वारा प्रस्तुत विषय प्रशंसित हो, वहां उस तरह की वह प्रशंसा ही अप्रस्तुत प्रशंसा कहलाती है। यह अप्रस्तुत प्रशंसा पांच प्रकार की है। पहली, अप्रस्तुत रूप सामान्य से प्रस्तुत रूप विशेष की अभिव्यक्ति। दूसरी, अप्रस्तुत रूप विशेष से प्रस्तुत रूप सामान्य की अभिव्यक्ति। तीसरी, अप्रस्तुत रूप कार्य से प्रस्तुत रूप कारण की अभिव्यक्ति। चौथी, अप्रस्तुत रूप कारण से प्रस्तुत रूप कार्य की अभिव्यक्ति। और पांचवी, अप्रस्तुत रूप समान वस्तु से प्रस्तुत रूप समान वस्तु की अभिव्यक्ति। यहाँ इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के पांचवे भेद अर्थात अप्रस्तुत रूप समान वस्तु से प्रस्तुत रूप समान वस्तु की अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इसे मूल श्लोक में श्लेष रूप में प्रयोग किए गए छायया अर्थात छाया से पद द्वारा समझना चाहिए। मूल श्लोक में माधव्या आदि पदों का दो प्रकार के अर्थ से युक्त होने के कारण छाया पद का श्लेष रूप में प्रयोग है। श्लोक 68 संस्कृत अनुवाद। हे श्री वृंदावन कल्पवल्ली, कृष्ण मेघ के अमृत वर्षन से उल्लसित होकर तुम्हारी लीला रूप मधुधारा का अति सुगंधित सौरभ सर्वत्र विस्तारित होकर अपने माधुर्य से समस्त ब्रह्मांड को ही तृप्त कर रहा है। अतएव वहां तुम्हारी पाद रेणुका सेवन करने वाली लताओं का जो विशेष महत्व होगा, उसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे वृंदावन की कल्पलता, तुम्हारे लीला रूप मधु की धारा ने समस्त ब्रह्मांड को ही अपने अत्याधिक माधुर्य से परितृप्त कर दिया है। पर्व के दो अर्थ हैं, ग्रंथी
एवं उत्सव, इन दोनों की उन्नति अर्थात महत्व। लबधा अर्थात तुम्हारे पाद मूल की आश्रित लताओं द्वारा तुम्हारी पदरज को प्राप्त कर। अतएव तुम्हारी पदरज को प्राप्त करके लताओं की ग्रंथि या संबंध और उनके उत्सव की उन्नति अर्थात विशेष महत्व होगा, इसमें आश्चर्य ही क्या है। वह मधुधारा किस प्रकार की है, इसके उत्तर में कहते हैं, कृष्णाम्बुद अर्थात काले वर्ण के मेघों के अमृत जल से उल्लसित अर्थात उच्छलित। पक्षांतर में श्री हरि रूप मेघों के अमृत अर्थात लीला सुधा के द्वारा उच्छलित, यहाँ भी उसी अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थात अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के पांचवें भेद अर्थात अप्रस्तुत रूप समान वस्तु से प्रस्तुत रूप समान वस्तु की अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है। किंतु अन्य किसी का इस प्रकार कहना है, पिछले श्लोक में रूपक के आवरण में प्रथम प्रकार की अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है तथा इस श्लोक में श्लेष के आवरण में वही प्रथम प्रकार की अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः यह विचारणीय है। श्लोक 69 संस्कृत अनुवाद। पहले जिसकी विनती की गई है वह सेवा सौभाग्य मेरे लिए अति दुर्लभ है, किंतु जहाँ कहीं भी जन्म हो तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति बनी रहे, अब ऐसी प्रार्थना की जा रही है। हे व्रजराज नंदन, हे वृषभानु नंदिनी, मैं तुम्हारे निकट बारंबार इसी वर की प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे चरण कमलों में मेरी जन्म जन्मांतर प्रीति बनी रहे। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। पशुपालों के वरेण्य अर्थात गोपों के दोनों राजाओं श्री विषभानु और श्री नंदराय जी की क्रमशः पुत्री और पुत्र के रूप में श्री श्री राधा कृष्ण को संबोधित किया गया है। भवे भवे अर्थात जन्म जन्म में अन्य पदों का अर्थ स्पष्ट ही है। श्लोक 70 संस्कृत अनुवाद। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा वांछित वस्तु की प्राप्ति की याचना की जा रही है। हे नाथ श्री कृष्ण, हे मदीश्वरी श्री राधिके, इस वृंदावन में नित्य विलास परायण तुम्हारे सम्मुख यह उत्कल्लिका वल्लरी अर्थात उत्कंठा रूप लता उत्पन्न हुई है। केवल वचनों के द्वारा ही तुम्हारे निकट इसका कीर्तन करके मुझ में कंप उदित हो रहा है, अतः इसे सुनने के बाद कृपा पूर्वक इस अतिशय दीन जन की अभिलषित सेवा प्राप्ति की प्रार्थना को सिद्ध करो। सवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। हे ईश्वर और हे ईश्वरी, तुम दोनों के सम्मुख यह उत्कल्लिका वल्लरी अर्थात उत्कंठा रूपी लता उदित हुई है। धनंजय कोश के अनुसार व्रतती, वल्लरी एवं लता समानार्थक शब्द हैं। इस उत्कल्लिका वल्लरी का मात्रवाचिक रूप से पाठ करने पर ही जब मुझ में कंप उदित हो रहा है, तब फिर मन से पाठ के संबंध में तो कहना ही क्या। अतः तुम दोनों मुझ पाठ करने वाले को अभीष्ट सिद्धि प्रदान करो। यदि कहो क्या करके, इसके लिए कहते हैं आकर्ण्य अर्थात इस स्तोत्र को सुन करके। आप दोनों कैसे हैं, इसकी अपेक्षा में कहते हैं वृंदा टवी में नित्य विहार करने वाले। श्लोक 71 संस्कृत अनुवाद। उत्कल्लिका वल्लरी नामक स्तोत्र के जन्मकाल और जन्मस्थान के विषय में कहा जा रहा है। 1471 शकाब्द के पौष मास में श्री गोकुल श्री वृंदावन में वास करते हुए मैंने इस अपूर्व उत्कल्लिका वल्लरी की रचना संपन्न की। इस प्रकार श्रीमद रूप गोस्वामी द्वारा विरचित स्तवमाला के अंतर्गत उत्कल्लिका वल्लरी का श्लोक अनुवाद संपूर्ण हुआ। स्तवमाला विभूषण भाष्य अनुवाद। अंक बाई ओर से लिखा जाता है। इस रीति से मूल श्लोक में चंद्राश्व भुवने के अनुसार चंद्रमा 1, अश्व 7 और भुवन 14, इस प्रकार वाम ओर से गिनती करने पर शाली वाहन के 1471वें शकाब्द वर्ष में इस स्तोत्र की रचना हुई। 86 और उससे पहले 1600
परिगणित होने से 1686 शकाब्द में इस टीका की रचना हुई। विक्रमादित्य के राज्य के 125 वर्ष बीत जाने पर शककुलीय राजा शालिवाहन हुए। इस वचन के अनुसार शालिवाहन की संवत्सर गणना से विक्रमादित्य का भी बोध होता है। इस उन्नत एवं श्रेष्ठ भावों से पूर्ण एवं मधुर काव्य कला से युक्त उत्कलिका वल्लरही की विवृति बलदेव विद्याभूषण के द्वारा रचित हुई। इस स्तोत्र का भाव भावुक जनों के लिए नित्य संपत्ति स्वरूप हो। इस प्रकार उत्कलिका वल्लरी की व्याख्या समाप्त हुई।